Mira. हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो, सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? यस। सो आई थिंक ये भी आपका अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर है, द फर्स्ट रिवीजन लेक्चर ऑफ योर अकाउंट्स। सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार खाली आप चैट पे बता सकते हो यस वॉइस इज क्लियर। अरे भाई एक अच्छा ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, तो बेसिकली गाइस अकाउंट चालू करने से पहले, ऑफ कोर्स इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट पेपर है वो सबको मालूम है। मैं आपको एक चीज़ खाली क्लियर कर दूंगा, हम लोग अकाउंट्स में जब भी मैं कर रहा हूँ तो मैं आपको साथ में स्टडी मटेरियल भी ऑन रखने वाला हूँ, बिकॉज स्टडी मटेरियल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू स्टडी। ठीक है, एंड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने स्टडी मटेरियल के सब सम्स अच्छे से कर लिए है आफ्टर लर्निंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अगर आपने स्टडी मटेरियल के सब सम कर लिए है एक बार खुद, तो आपको 75 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, बट कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई ऐसे आ गए, यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट। एंड ये पेपर में यू कैन इजीली स्कोर 70-75, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है अकाउंट्स का पेपर। ठीक है, एंड जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स है वो सब भी करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे, बट धीरे धीरे करके हम एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यस, सो द फर्स्ट चैप्टर जो हमें स्टार्ट करना है, जो आपके स्क्रीन पे है, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर। ओके, सो अगर किसी को कुछ भी हो तो दे कैन आस्क, आप चैट पे लिखो, कितने सारे चैट्स आएंगे लेट्स सी। एंड ये चैप्टर धीरे धीरे करके आई विल ट्राई टू गो थ्रू द एंटायर स्टडी मटेरियल सम्स ऑल्सो, कि कौन सा है कैसे है, बेसिक भी मैं इसका आपको कवर करूँगा। मे बी आपके डिफरेंट मेथड्स हो, मेरी अलग मेथड हो, तो वॉट एवर मेथड यू आर कंफर्टेबल विथ इन दिस चैप्टर, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। या और उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या है। सर आवाज़ थोड़ा स्लो है, आई थिंक आवाज़ क्लियर स्लो है आवाज़, आई एम नॉट श्योर, मुझे तो नहीं मालूम पड़ेगा, बट लेट मी नो आवाज़ स्लो है या नहीं। पार्टनरशिप थोड़ा हार्ड जा रहा है, बट नहीं, पार्टनरशिप बहुत ईजीली हम लोग करेंगे। आवाज़ स्लो है, आई एम नॉट श्योर स्लो है, एक बार सब लोग मुझे बता सकते हो जस्ट आवाज़ क्लियर है? सर वॉइस स्लो, जस्ट अ मिनट। अभी बराबर है? यस, नाउ इट्स फाइन, क्लियर। ओके ग्रेट 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 ग्रेट, प्रॉपर है, ओके फाइन। चलो तो गाइस देखो, अभी मुझे मालूम है कि नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, तो तुम लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है वो तो मालूम होगा। ठीक है, बट आई आई विल गो थ्रू द जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर फोकस करना था, उसी पर हम फोकस करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है और सॉल्व करके इसके मेथड्स क्या है, एंड देन वी विल डू दी सम्स। ठीक है, ज़्यादा हमें इसके बारे में इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स अ रिविजन लेक्चर, बट तो भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे इनिशियल पार्ट से मैं आपको बताऊंगा, हाउ आई डू, एंड जैसे आप भी कर रहे हो वैसे भी आप कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज इसमें मेथड आपकी डिफरेंट हो सकती है। ओके हाँ, रिविजन सब लेक्चर्स का कर ही रहा है, मैं भी चैप्टर इस पर फोकस कर रहा हूँ, डोंट वरी ऑन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आपको बहुत ईजी से हो जाएगा। आई विल मेक श्योर कि आपके लिए गुडविल वाला जो पार्ट है वो बहुत ईजी हो जाएगा, डोंट वरी, गुडविल सुपर आपका हो जाएगा। एक बार गुडविल आपको आ गया तो एडमिशन रिटायरमेंट दैट विल बी द इजिएस्ट चैप्टर फॉर यू। आई विल मेक श्योर कि पार्टनरशिप वाला चैप्टर यू विल से कि इट्स द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर, एंड काफ़ी लोग जो यहाँ पे क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दे नो के नाउ पार्टनरशिप फॉर देम इज़ वेरी इजी, बट जो लोग फर्स्ट टाइम करने वाले हैं आई थिंक उनके लिए भी हम लोग काफ़ी ईजी कर देंगे कि वो 15 में से 15 पार्टनरशिप में स्कोर कर पाए। ठीक है, चलो गाइस तो चैप्टर पे आ जाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जस्ट अ मिनट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट गाइस मैं आपको सिंपल तरीके से पहले बताना चाहूँगा। सो बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में है क्या, मैं सीधा चैप्टर के कोर पे जा रहा हूँ। एक होती है कैश बुक, राइट, एवरी वन नोस, एक होती है कैश बुक, राइट। कैश बुक कौन बनाता है, मैं सिंपल जा रहा हूँ, कैश बुक कौन बनाता है, कैश बुक हम ट्रेडर बनाते हैं, बिजनेस ओनर बनाता है, और दूसरी होती है हमारी पासबुक। ठीक है, एक होती है कैश बुक और दूसरी होती है पासबुक। कैश बुक हम लोग खुद बनाते हैं, कैश बुक कौन बनाता है, ट्रेडर बनाता है। ठीक है, जो हम लोग बनाते हैं,
और पासबुक कौन बनाता है, राइट? पासबुक इज मेड बाय बैंक. यूजुअली कैशबुक और पासबुक के बैलेंसेज सेम आने चाहिए, ठीक है? जितना बैलेंस कैशबुक में है, ये कैशबुक हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ये हम लोग कैशबुक की बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, और जो कैशबुक का बैलेंस है और पासबुक का बैलेंस एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, ठीक है? बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस ये दोनों का बैलेंस सेम नहीं आता है, ठीक है? और उसी को हमें रिकनसाइल करना है, दैट्स इट, यही है और कुछ नहीं है. कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस सेम आना चाहिए, ठीक है? बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस कैशबुक और पासबुक का बैलेंस सेम नहीं आता है, एंड दैट इज वाई वी हैव टू डू रिकनसिलेशन. इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं, दैट्स इट, दिस इज द चैप्टर, ठीक है? सो फाइन गाइस, तो मैं अगर आप लोगों से चैट में थोड़ी चीज़ें पूछूंगा, आप लोग मुझे आंसर देना, फिर मैं आपको इसका ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा. मेरी अगर किसी को अपनी मेथड से आता है तो आप लोग मेथड से सॉल्व कीजिए, या मेरी मेथड है, लेट्स सी, अगर आपको वो इजी लगती है तो आप वो ले लीजिए. फाइन ग्रेट, या मैं सब क्वेश्चन लूंगा. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर थियरी और वो सब बात करेंगे, बट राइट नाउ हम चैप्टर पर बात करते हैं, देन थियरी एंड एक्स वाई जेड चैप्टर्स की बाद में कर सकते हैं. राइट नाउ वी विल फोकस ओनली ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ओके, मुझे बताइए कैशबुक का जो डेबिट साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैशबुक का जो डेबिट साइड होता है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पासबुक का डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, तो कैशबुक के डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं? यस, कैशबुक के डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं? दैट इज योर रिसीप्ट, योर रिसीप्ट, ठीक है? एंड क्रेडिट्स आर योर पेमेंट्स, क्रेडिट्स आर योर पेमेंट्स, ठीक है? रिसीप्ट एंड पेमेंट. कैशबुक आपने काफ़ी टाइम देखा होगा, अपने एनपीओ चैप्टर में भी देखा होगा, कैशबुक रिसीप्ट मतलब पैसा आ रहा है, पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है. और पासबुक में भी हमारे दो साइड्स होते हैं, एक होता है डिपॉजिट साइड, क्रेडिट साइड मतलब हमारा डिपॉजिट साइड होता है, और ये होता है हमारा विड्रॉल साइड, ठीक है? अभी मैं आपको थोड़े ट्रांजेक्शन बताऊंगा, आप मुझे खाली सिंपल रिसिप्ट, पेमेंट, विड्रॉल एंड डिपॉजिट, ठीक है? और इसको मैं थोड़ा और अच्छे से प्रेजेंट कर देता हूँ, जो आपके लिए रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस. देखो मेरा मेन फोकस है आपके लिए चैप्टर इजी कर देना, तो मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ अगर आप लिख भी सकते हो दैट्स कम्प्लीटली ग्रेट, आप इतना लिख दीजिए, फिर मैं आपको खाली क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को एक केबीसी की तरह बताएंगे ये 1 2 3 4 किस में जाएगा. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे ये 1 2 3 या 4, वो मैं जो ट्रांजेक्शन बताऊंगा आपको सिर्फ मुझे क्या बताना है ये कहाँ पे जाएगा, 1 2 3 या 4, ठीक है? बस मुझे अभी आपके साथ वही खेलना है. तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट इज़ कैशबुक? कैशबुक हम ट्रेडर बनाते हैं, हमारे पास खुद के पास होती है कैशबुक, हमारे पास होती है, ठीक है? पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाती है. ये दोनों के बैलेंसेस क्या होने चाहिए? एग्जैक्टली सेम आने चाहिए, बैलेंसेस शुड बी सेम, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस इनके बैलेंसेस सेम नहीं आते हैं, एंड दैट इज वाई वी नीड टू डू दी रिकंसिलिएशन. फाइन ग्रेट, ओके. सो नाउ गाइस, पहला वाला ट्रांजेक्शन मैं आपके स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, जस्ट लेट मी नो कि ये 1 2 3 4 में कहाँ पे आएगा. मैं आपको पूछ रहा हूँ, लेट्स सी कि आपको आता है या नहीं आता है. फर्स्ट क्वेश्चन, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ रुपीज 10,000 बट नॉट क्लियर, ठीक है? ऑफकोर्स क्या ये इसमें रिकंसिलिएशन करने की जरूरत है? यस है. आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया है बट ये अब तक क्लियर नहीं हुआ है, तो मुझे बताइए ये जो 10,000 का अमाउंट है वो अब तक उसकी एंट्री खाली ऊपर में कहाँ पे हुई है? 1 2 3 या 4, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ रुपीज 10,000 बट नॉट क्लियर, आपको क्या लगता है? 1 2 3 4, लेट्स गो इन द चैट, ये वाला ट्रांजेक्शन ऊपर कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ होगा? 1 2 3 4, वेटिंग जस्ट 2 मिनट्स दे रहा हूँ, आप फटाफट बता सकते हो 1 2 3 4, फटाफट जितने भी पार्टिसिपेंट से आंसर दीजिए. मैं अभी BRS आपको सिखा दूंगा, बट पहले मैं जितने भी ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ मेरे को ये 1 2 3 4 में अगर आपको डालना आ गया तो आपका BRS हो गया, दैट्स इट. यस, ये क्या होता है सुनिए, मैं सिंपल तरीके से आपको बता दूँ, कैशबुक आपके खुद के पास रहती है, ये आपकी कैशबुक है जो आपके ड्रॉअर में रहती है. अगर एक कस्टमर आके आपको चेक देता है तो आप क्या करोगे? जल्दी से अपनी कैशबुक निकालोगे ड्रॉअर से, फटाफट अपनी कैशबुक निकालोगे ड्रॉअर से, रिसीप्ट साइड में आप पैसा लिख दोगे ना, आपको चेक मिला है ना, तो आप यहाँ पे एंट्री कर दोगे, राइट? आप रिसीप्ट साइड में एंट्री कर दोगे तो आपके कैशबुक में तो एंट्री हो गई, बट ये सेम चेक आप बैंक में डिपॉजिट भी करोगे. बट क्या बैंक में डिपॉजिट करने से पासबुक में बैलेंस बढ़ जाता है? क्या बैंक में डिपॉजिट करने से पासबुक में बैलेंस बढ़ जाता है? ऑफकोर्स नॉट. बैंक में डिपॉजिट करने का चेक को क्लियर होना पड़ता है, तो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है बट अब तक तो वो क्लियर नहीं हुआ है.
ऑफकोर्स वो क्लियर हो जाता तो यहाँ पे एंट्री हो जाती, बट वो क्लियर नहीं हुआ है तो इससे हमें रिकनसाइल करना बाकी है। तो आई थिंक सबको समझा है 10,000 की एंट्री विल कम इन नंबर वन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलो फटाफट मेरे को येस बता दीजिए, मैं आपके सामने बहुत सारे ट्रांजेक्शन लिखने वाला हूँ, आप लोग मुझे बताइए शांति से, बताइए क्या ये क्लियर है? येस 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 बताइए, अगर क्लियर है तो बताइए, नहीं क्लियर तो मत बताइए। तो नो लिखिए, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका मतलब क्या होता है? आपको चेक मिला है तो आप उसको डिपॉजिट करने जाओगे, बट डिपॉजिट करने से पहले आप क्या करोगे, अपनी ड्रॉअर से अपनी कैशबुक निकालोगे, ड्रॉअर के रिसिप्ट साइड पे आप एंट्री करोगे, लिखोगे ना वो चेक किसने दिया, तो आप रिसिप्ट साइड में कैशबुक में एंट्री तो करोगे ना कि भाई मुझे चेक मिला है, तो क्या कैशबुक में लिखने से क्या पास बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा क्या? आपको बैंक में जाकर उसको चेक को डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर वो क्लियर होगा, बट दिस टेक टाइम। तो टाइम करने तक अब तक वो क्लियर नहीं हुआ है, तो हमारी सिर्फ एंट्री कहाँ पे हुई है? सिर्फ रिसिप्ट साइड पे एंट्री हुई है। क्लियर? थोड़े नो भी है बट आई होप अभी मैंने क्लियर कर दिया एक और बार रिपीट करके, ठीक है? तो चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट 10,000 बट नॉट क्लियर। मैं एक और दे रहा हूँ, चलो इसका आंसर बताइए, जिसको क्लियर नहीं है उसके लिए एक और करते हैं। चेक इश्यूड, चेक्स इश्यूड ऑफ रुपीज, चेक्स इश्यूड ऑफ रुपीज 5,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इश्यूड ऑफ रुपीज 5,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पहले इसका मतलब समझिए, अगर मैं हिंदी में बता दूंगा तो आप समझ लोगे, बट आपको लैंग्वेज ये आने वाली है। आपने चेक इश्यू किया है ऑफ रुपीज 5,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूँ जो आपकी बुक में यूज किया गया है। तो आप लोग मुझे बताइए 1, 2, 3 या 4, 1, 2, 3 या 4 कहाँ पे जाएगा? काफ़ी लोग 2 आंसर्स दे रहे हैं, मेरे को चाहिए कि सब लोग क्लियर करें। मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूँ, मैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सम्स इसमें कवर करने वाला हूँ। यस, सो मोस्ट ऑफ लोगों ने आंसर 2 दिया है, काफ़ी बीच में 1 भी है, इसका मतलब समझिए यार, चेक इश्यू करना है, मेरे को किसी को पेमेंट करना है, तो मैं चेक, मैंने चेक किया, साइन किया और मैंने चेक उसको इश्यू किया, तो मैं क्या करूँगा, वो तो मेरे ऑफिस में आया है, वो ऑफिस में आया, मैंने उसको चेक दे दिया, मैंने अपने ड्रॉअर से कैशबुक निकाली और मैं इसकी एंट्री कहाँ पे करूँगा? मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना, चेक इश्यू करना मतलब पेमेंट करना, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर दूंगा कि भाई मैंने एंट्री कर दी, मैंने चेक इश्यू किया, मैंने पेमेंट की एंट्री कर दी, बट क्या मेरे बैंक से तभी के तभी पैसे कट जाएंगे? नहीं, वो बंदा ये चेक को लेके जाएगा बैंक में, उसके अकाउंट में डालेगा और फिर क्लियर होगा। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब अब तक वो बंदा जो मेरे पास चेक लेके गया वो अपनी बैंक में ही नहीं गया, तो पासबुक से माइनस कैसे होगा? अगर ये पासबुक में माइनस हो जाता तो रिकनसाइल हो जाता, बट अब तक ये तो नहीं हुआ है ना, तो अभी मैं आपको वही ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ जिसका रिकनसिलेशन बाकी है। तो चेक्स इश्यूड ऑफ रुपीज 5,000 मतलब आपने इश्यू किया, मतलब आपने पेमेंट किया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब सामने वाला बंदा वो चेक लेके बैंक में ही नहीं गया है। अगर वो बैंक में ही नहीं गया तो क्लियर कैसे होगा, और क्लियर नहीं होगा तो रिकनसिलेशन कैसे होगा? तो क्या ये 2 लैंग्वेज सबको कंफर्टेबल है जो मैंने समझाया है दोनों चीज़? आप फटाफट बताइए, यस यस लिखिए अगर आपको क्लियर है तो ये चीज़ है। पहले मैं आपका बेस क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लिखूंगा, आप मुझे बताइए 1, 2, 3, 4 सिंपल, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है, दैट्स इट। बिकॉज गाइस दिस इज अ रिविजन लेक्चर आई नो, बट स्टिल आई विल ट्राई टू क्लियर सम बेसिस फॉर यू। क्या ये क्लियर है? फटाफट मुझे येस बताइए इफ दिस इज क्लियर। चलो वेटिंग, शांति से करेंगे, स्टडी मटेरियल के सब समझ आ जाएंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं इसमें, फाइन, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो, एवरीथिंग इज ऑन दी कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलो ग्रेट 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 ग्रेट। चलो अभी ये बताइए, बैंक चार्ज, बैंक ने चार्ज किया है, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 50, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो 1, 2, 3, 4 बताइए, 1, 2, 3, 4 बैंक ने मेरे पास, मेरे पे इंटरेस्ट चार्ज किया है तो कहाँ पे एंट्री हुई रहेगी? 1, 2, 3, 4 बताइए, बैंक हैव चार्ज मी द इंटरेस्ट तो कहाँ पे गया होगा, एंट्री कहाँ पे हुई रहेगी? चलो बताइए, बैंक हैव चार्ज, ओके शेख राबिया, या फाइन, चलो यस, तन्मय से इज 2, ग्रेट। मेरे लिए नाम थोड़ा लेना डिफिकल्ट होगा, बैंक ने मेरे पास इंटरेस्ट चार्ज किया यार, तो बैंक तो पासबुक बैंक बनाती है ना, तो बैंक तो वो पासबुक में एक्टिविटी हुई रहेगी ना, मेरे को थोड़ी सपना आएगा कि मैं भाई पेमेंट साइड पे कर दूंगा, तो एंट्री कहाँ पे हुई रहेगी? यस परफेक्ट, दैट्स इट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो ये एंट्री कहाँ पे हुई रहेगी?
यहाँ पे भी रहेगी ना, बैंक में से मेरा पैसे कट गया, बैंक ने मेरे पास इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब मेरे पासबुक से पैसे निकल गए, बट अभी बैंक ने माइनस कर दिया है, तो मुझे रिकन्सिलेशन करने के लिए अगर मुझे मालूम होता कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो मैं मेरे यहाँ से भी माइनस कर देता, जो वहाँ पे माइनस हुआ है वो मेरे वहाँ पे भी माइनस ही होना चाहिए, बट मैंने माइनस नहीं किया है बिकॉज मुझे मालूम नहीं है। तो बैंक हैव चार्ज इंटरेस्ट बट नो इंटरेस्ट मेड इन कैश बुक बेसिकली। तो अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो मेरे पासबुक से पैसे कट चुके हैं, सिंपल सिंपल। यस ओके ग्रेट। चलो डायरेक्ट डिपॉजिट और ₹1 लाख बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट और ₹1 लाख बाय कस्टमर इनटू बैंक, बट वी हैव रिसीव्ड नो इंटीमेशन। क्वेश्चन समझिए, डायरेक्ट मेरे कस्टमर ने मेरे बैंक में डायरेक्टली पैसे डाल दिया बट मुझे इंटीमेशन नहीं मिला, तो मुझे इंटीमेशन नहीं मिला तो मेरे पास तो कैश बुक है, तो मैं कैश बुक, तो ये एंट्री कहाँ पे हुई रहेगी, ये ऊपर में एंट्री कहाँ पे हुई रहेगी। ओह ग्रेट सुपर, काफ़ी लोग आंसर्स दे रहे हैं, सो ज़्यादा लोगों ने 4 आंसर दिया। येस दैट्स द परफेक्ट आंसर कि भाई ये ₹1 लाख मेरे यहाँ पे बढ़ चुके हैं, सिंपल। तो ये एक चीज़ है जो मुझे आपको बताना है कि ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी BRS का क्वेश्चन हो, आपको ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 में डालना आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, एंड इट्स क्वाइट लॉजिकल यार, इतना लॉजिकल, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये अगर आपने समझ लिया तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। यस तो डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख बाय कस्टमर इन टू अवर बैंक, बट वी हैव रिसीव नो इंटीमेशन, मतलब मुझे इंटीमेशन नहीं है तो मेरे कैश बुक में तो मैंने एंट्री की ही नहीं होगी। तो ये मेरे कहाँ पे एंट्री हो गई है, मेरे पासबुक में एंट्री हो गई है, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया है क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डाल दिया बट मुझे मालूम नहीं है। तो क्या हुआ रहेगा, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई बट पासबुक में एंट्री हो गई, तो इससे भी हमें रिकनसाइल करना बाकी है। फाइन इनफ, क्या यहाँ तक ये सब क्लियर है सबको, ये 4 एग्जाम्पल्स क्लियर है, पहले 4 एग्जाम्पल्स सबको क्लियर है एवरीवन, एक बार येस बता दीजिए चैट पे, थोड़े ज़्यादा येस आ जाएंगे तो मुझे समझ जाएगा, देन आई कैन गो अहेड। बताइए, आपके येस के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, बोलो। फटाफट फटाफट बताइए, लास्ट वाली। अभिषेक सिंह, मैंने क्या बताया, एक मेरे कस्टमर ने मेरे बैंक में डायरेक्टली पैसा डाल दिया, उसने जाके कैश डिपॉजिट कर दिया होगा बट मुझे नहीं मालूम है, तो मेरे बैंक में बैलेंस बढ़ गया ना, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, ठीक है। चलो ये सब तो हम लोग कर लेंगे, चलो सर ये तो आपने करवा दिया, स्टेप 1 तो करवा दिया, बट सर BRS का कुछ बताइए ना कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे वो बताइए। तो ये मैंने 4 छोटे एग्जाम्पल्स लिए हैं, पहला मेरा मुद्दा ये है कि आपको बता दूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो कभी भी पहले कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो यू नो कि ऐसे ऐसे टाइप के आपके पास ट्रांजेक्शन होते हैं, कोई भी समूह, आपको ये सब ट्रांजेक्शन्स को ऊपर वाली वर्किंग नोट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड दिस रिमेन सेम फॉर ईच एंड एवरी सम, ठीक है। ईच एंड एवरी सम के लिए ये चीज़ कॉन्स्टेंट ही रहेगी, क्लियर है। अभी इसमें आपको क्या समझना है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लूंगा, डोंट वरी। स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे फोकस करते हैं, पार्ट 2, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे फोकस करते हैं पार्ट 2। 4 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, कौन से 4 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, पहला ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, पहला स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जिसको हम लोग फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जिसको हम फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। तो एक डेबिट है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो एक डेबिट है तो एक क्रेडिट, और इसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैश बुक 4 स्टार्टिंग पॉइंट है यार, कैश बुक का डेबिट क्रेडिट, पासबुक का डेबिट क्रेडिट, तो सम कहाँ से ना कहाँ से शुरुआत होगी। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक को हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक भी बोलते हैं, और क्रेडिट बैलेंस को हम लोग ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, ये जो प्लस है मतलब फेवरेबल और ये माइनस है मतलब ओवरड्राफ्ट, ठीक है, प्लस है मतलब फेवरेबल, माइनस है मतलब ओवरड्राफ्ट,
वैसे ही पासबुक का भी दो बैलेंसेस हो गए, ओके, एक होगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, बट अभी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल है या ओवरड्राफ्ट, कौन आंसर देगा मुझे? जो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है आप मुझे बताइए वो फेवरेबल है या ओडी है, क्या है बताइए? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा वाला है, इट्स फेवरेबल या ओडी ओवरड्राफ्ट है? बताइए डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा है, फेवरेबल है या ओडी है? यस ओवरड्राफ्ट है, सुपर, कैसे? क्योंकि वो माइनस है, माइनस मतलब वो ओवरड्राफ्ट, सिंपल, तो जहां जहां पे माइनस होगा वहां पे मैं ओवरड्राफ्ट लिखूंगा, ओके। और एक हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, जिसको मैं फेवरेबल बैलेंस बताऊंगा, ठीक है। तो आपके कोई भी सम में ये चार स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, ये चार स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बट अभी करना क्या है? ये चार स्टार्टिंग पॉइंट हो गए बट करना क्या है? तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ प्लस माइनस का, सिर्फ ध्यान दीजिए, सिर्फ ध्यान देना, थोड़ा टाइम लगेगा बट समझ जाओगे। अगर आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको हम फेवरेबल भी बोलते हैं, तो हमें पासबुक के बारे में सोचना है, पासबुक में ज़्यादा है तो प्लस, पासबुक में कम है तो माइनस। ध्यान देना, आराम से ध्यान देना, मैं पूरा समझा दूंगा। फेवरेबल है तो हमें पासबुक के बारे में सोचना है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको इजीली समझा दूंगा। अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, तो हमें कैश बुक का ही सोचना है, कैश बुक में ज़्यादा है तो प्लस, कैश बुक में कम है तो माइनस, ओके। अगर आपका ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, तो आपको करना है पासबुक में ज़्यादा है तो प्लस, पासबुक में कम है तो माइनस। आराम से सुनिए, आपको पूरा लॉजिक बता दूंगा। और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है तो कैश बुक के बारे में सोचिए। सर हमें ये याद कैसे रहेगा, ये तो आपने फटाफट लिख दिया, याद हो जाएगा, टेंशन क्या है? ये चार चीज़ें याद रखिए, आपका हो गया काम खत्म, बस ये आपके लिए गुरु मंत्र है यहाँ पे, अगर ये चीज़ याद रखें। लेकिन सर हमें याद कैसे रहेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो, और क्या है, आप बोलना क्या चाहते हो? रुकिए, शांति से रुकिए, सब्र रखिए, सब समझ जाओगे, ओके। अगर आपका फेवरेबल बैलेंस, अगर आपका फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल मतलब अच्छा होता है, फेवरेबल मतलब अच्छा होता है, राइट, तो अपने आप के बारे में मत सोचिए, दूसरे के बारे में सोचिए। तो अगर फेवरेबल बैलेंस पर कैश बुक है तो पासबुक के बारे में सोचिए, क्योंकि हम लोग के लिए अच्छा हो रहा है तो पासबुक का सोचिए। बट अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, ओवरड्राफ्ट मतलब बुरा, तो बुरा है तो दूसरों का मत सोचो, पहले अपने आपका सोचो। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो कैश बुक का ही सोचिए। वैसे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो पासबुक का बुरा हो गया, तो पासबुक का ही सोचे। और अगर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक है तो कैशबुक का सोचे। ये सिंपल चीजें याद रखें, सिंपल, आई विल रिपीट अगेन। अगर फेवरेबल, किसी का भी स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल है तो सामने वाला का सोचो, तो सामने वाले का सोचो। बट अगर ओवरड्राफ्ट है तो खुद के बारे में सोचो, सिंपल। वापस मैं रिपीट करता हूं, अगर ओवरड्राफ्ट है तो सामने वाले का सोच, ओवरड्राफ्ट है तो सामने वाले का सोच, सॉरी, ओवरड्राफ्ट है तो खुद का सोच, ओवरड्राफ्ट है तो खुद का सोच, फेवरेबल है तो सामने वाले का सोच, सिंपल। पहले ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आपको लिखना है तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ ये लिखने के लिए, फिर इसको सम सॉल्व हो जाएगा, बस इसके बाद सम सॉल्विंग खत्म। ये आपको मैंने दे दिया है, मैं वापस बताता हूँ। ओवरड्राफ्ट है मतलब, ओवरड्राफ्ट मतलब बुरा, माइनस था ना, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस, माइनस मतलब बुरा, तो खुद के बारे में सोचिए। और अगर फेवरेबल है, अगर फेवरेबल है तो सामने वाले के बारे में सोचिए। पहले ये आपको मैं बता रहा हूँ, एंड देन मैं आपको सम के थ्रू बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर किसको लिखना है तो इसको लिख दीजिए। यस यस, टेंशन मत लो, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, शांति से देखिए। मैं आपको एक, बस हो गया सम, हो गया, खत्म हो गया। अगर आपको केबीसी खेलना आता है 1 2 3 4 और ये याद हो गया आपका ये चैप्टर। फिर अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन देखेंगे जिसमें आपको दिमाग लगाना होगा, एंड दैट्स इट, यही है BRS, ठीक है। फटाफट अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सम जब भी आप स्टार्ट करोगे तो चार स्टार्टिंग पॉइंट हो गए, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक के कुछ भी, डेबिट क्रेडिट कुछ भी दिया होगा। तो कोई भी अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से आपको जो मैंने रेड कलर के बॉक्स में लिखा ना वो सोचना है। तो सिंपल बता रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ओवरड्राफ्ट है तो खुद का सोचो, ओवरड्राफ्ट क्योंकि बुरा है तो खुद का सोचो, बट फेवरेबल है तो सामने वाले का सोच, फेवरेबल है
तो सामने वाले का सोच, ठीक है, ग्रेट, ओके, लिख दीजिए एंड देन मैं ऊपर वाले सम को इसके साथ मर्ज करूंगा और देन हम लोग स्टडी मटेरियल से सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो मुझे मालूम है कि आपको क्या चाहिए, फटाफट आपको आपको ये चाहिए कि भाई फटाफट हो और आपको सब आए, सिंपल, यही होना चाहिए पढ़ाई में। इतना घुमा फिरा के कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है, टू दी पॉइंट पे ही हम रिविजन करेंगे, बट पॉइंट पे ऐसे करेंगे कि आपको समझा भी दिया और सम भी सॉल्व कर पाओ, क्योंकि आपके लिए मेन मुद्दा यही है, ठीक है। तो जैसे होना चाहिए आईएमपी सम्स भी मैं दूंगा, यूनिक सम्स भी मैं दूंगा, डोंट वरी, बट पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना कोई पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा, फाइन। अभी समझो मेरा ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरे ऊपर वाले सम में ये वाला मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ओके। इफ माय सम सेज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल एज पर कैश बुक है तो हमें क्या सोचना है, अगर कैश बुक का फेवरेबल है तो कैश बुक का नहीं सोचना है, हमें सोचना है पासबुक का, पासबुक में ज्यादा है तो प्लस, पासबुक में कम है तो माइनस, पासबुक में ज्यादा है तो प्लस, पासबुक में कम है तो माइनस। चलो ऊपर वाले में बताइए, ये आपने सॉल्व किया, ये क्या है पासबुक में, ये पासबुक में प्लस है तो ज्यादा है, तो ये मेन सम में भी इसका आंसर प्लस होगा, ये पासबुक में माइनस साइन में तो पासबुक में कम है, ये वाले 50 को हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना पासबुक में ज्यादा है तो प्लस, पासबुक में ज्यादा है तो प्लस, पासबुक में कम है तो माइनस, यही सोचना है। तो सर इसका क्या सोचे, ये तो है माइनस, अरे भाई ये कैशबुक का माइनस है, ये कैशबुक का माइनस है, तो कैशबुक में अगर माइनस है तो पासबुक में क्या हो गया, यस पासबुक में हो गया प्लस, और जो कैशबुक में प्लस है तो कैशबुक में ज्यादा है तो किसमें कम है, पासबुक में कम है, तो ये आपका आंसर हो गया, एंड ये आंसर आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट, हो गया, सिंपल है। मुझे मालूम है कि काफी लोगों ने जो मेरे पास ऑलरेडी कर चुके हैं उनको मालूम है कैसे करते हैं, बट जिसको नहीं मालूम है या जिसको आता है अपनी मेथड से करिए, क्यों क्यों आता है ना अपनी मेथड से तो करो, बट अगर नहीं आता है तो ये सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूं, सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है। मैं देखता हूं आपके कमेंट्स रीड करता हूं, बट मुझे पहले कॉन्सेप्ट समझाना था, बिकॉज कॉन्सेप्ट समझाते टाइम मैं आपके चार्ट रीड करूंगा तो मेरा पूरा फ्लो हिल जाएगा, एंड देन आई विल सी, आपको चाहिए तो वापस लिख देना, मैं वापस बता रहा हूं। अगर आपका फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पिंक कलर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप कैश बुक का सोचोगे, नहीं आप किसका सोचोगे, पासबुक का, ठीक है, पासबुक का सोचोगे, पासबुक में ज्यादा है तो प्लस, पासबुक में कम है तो माइनस, तो ये पासबुक में जो प्लस है वो प्लस, पासबुक में जो माइनस है माइनस, बट सर ये तो ये जो माइनस है वो कैशबुक में माइनस है, तो जो कैशबुक में अगर कम है तो किसमें ज्यादा है, पासबुक में ज्यादा है ना, और ये किसमें ज्यादा है, कैशबुक में ज्यादा है, मतलब पासबुक में कम, एंड दिस इज योर आंसर जो मैंने सर्कल किया, दैट्स इट, यही है यही है यही है यही है यही है, ठीक है भाई। दूसरे चैप्टर्स की बात में करेंगे, पहले इस पे ध्यान दीजिए, मैं वापस समझाता हूँ, डोंट वरी। चलो एक और बार वापस, उसमें क्या हो गया, अगर आप लोगों को ई मार्क्स आ गए तो वही तो चाहिए मुझे, सुनो एक और बार वापस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को रिपीट करने में कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया अगर मेरा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक सर ओवरड्राफ्ट होता है, फेवरेबल, फेवरेबल एज पर कैश बुक होता है, तो अगर कैश बुक का फेवरेबल है तो सोचेंगे क्या, कैश बुक अच्छा है तो पासबुक के बारे में सोचेगा, पासबुक में ज्यादा है तो प्लस, पासबुक में कम है तो माइनस, ये क्लियर है, क्लियर है, तो ये पासबुक में ज्यादा है सर, दिख ही रहा है ना, पासबुक में ज्यादा है, ये पासबुक में ज्यादा है राइट, तो ये हो जाएगा प्लस, ये पासबुक में कम है ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ऊपर दिख रहा है पासबुक कम, बट सर ये माइनस है ना, ये माइनस है, अरे वो कैशबुक में माइनस है यार, वो कैशबुक में माइनस है, तो अगर कैशबुक में कम है तो किसमें ज्यादा होगा, कंपेरिजन किसका हो रहा है, कैशबुक में कम है तो पासबुक में ज्यादा है, अरे कैशबुक में ज्यादा है मतलब पासबुक में कम है, दैट्स इट, और ये दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन। कोई और स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते, चलो ना कोई और स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते, चलो काम करते हैं, दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट लेते, ये सब में हम लेते हैं ये वाला, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है सर, वो फेवरेबल है या ओवरड्राफ्ट है, अरे वो तो फेवरेबल है, तो अगर पासबुक का फेवरेबल है तो खुद के बारे में मत सोच, कैशबुक के हिसाब से सोच, कैशबुक में ज्यादा है तो प्लस, कैशबुक में कम है तो माइनस, तो ऊपर वाले सब में जाते हैं, ठीक है, कैशबुक में ज्यादा है तो प्लस, ओके ये कैशबुक में ज्यादा है तो प्लस,
मेन सॉल्यूशन में प्लस, कैशबुक कम है तो माइनस, ठीक है। बट सर उधर ये भी माइनस है, बट ये पासबुक में कम है, पासबुक में कम है मतलब कैशबुक में ज्यादा है, और ये पासबुक में ज्यादा मतलब कैशबुक में कम है। दैट्स इट, सॉल्यूशन हो गया। ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट, बस यही है। मतलब मालूम है इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तो अगर आपको आ गया तो खत्म हो गया, आपको आना चाहिए ये 1 2 3 4 खेलना। आपको 1 2 3 4 खेलना आ गया, हो गया चैप्टर, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट को हिसाब से तो मैंने आपको आंसर दे दिया। आपको सिर्फ 1 2 3 4 खेलना आना चाहिए अभी, या वो कैशबुक में 1 2 है या पासबुक में 3 4 है। 1 2 3 4 खेलना आ गया ना, 1 2 3 4 हो गया है चैप्टर। अभी आपको इसके पीछे लॉजिक लगाना है, आपको जितने ज़्यादा समझ करोगे तो और आ जाएगा, करेंगे ना। इसके बाद एग्जाम्पल्स क्या, इसके बाद समझ ही लेंगे तो उसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। मैं सब में वैसे वर्किंग नोट बना के दे दूंगा आपको, डोंट वरी। पहले ये क्लियर है क्या, ये सबको स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर है? आई होप जिसको जो अपनी मेथड आती है वो मेथड अपनी फॉलो कीजिए, बिकॉज आपने 11th स्टैंडर्ड से ये चैप्टर किया होगा। तो मुझे नहीं चाहिए कि अगर आपकी वो मेथड आपको आती है ऐसी ऐसी तो आप कीजिए, डोंट वरी। बट जिसको नहीं आता है चैप्टर, और ये चैप्टर 10 से 5 मार्क के लिए हर एग्जाम में आया है, तो जिसको नहीं आता है उनके लिए हम इजी कर रहे हैं। इनिशियल पार्ट मुझे इंपॉर्टेंट फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? फिर उसके बाद सम तो हो जाएगा। तो एक बार फटाफट यस दे दीजिए, अगर आपको ये क्लियर है तो फटाफट यस दे दीजिए। आपको सिर्फ 1 2 3 4 खेलना आना चाहिए यार, 1 2 3 4 दैट्स इट। क्या इसमें डरने का जरूरत है? कुछ डरने का जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 खेलना आना चाहिए। मैंने ज़्यादा इसमें पढ़े नहीं है तो भी मैं थोड़े चार्ज पढ़ लेता हूँ। सर पासबुक में ज़्यादा कम से आपको मतलब एज कम्पेयर टू कैशबुक? हाँ ऑफकोर्स विशाल, अगर कैशबुक में ज़्यादा तो मैं कंपेयर किसके साथ कर रहा हूँ यार? अगर मैं तेरी हाइट ज़्यादा है तो किसी के साथ कंपेयर करूँगा ना कि किसी कम है? तो अगर कैशबुक में ज़्यादा मतलब पासबुक में कम है, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग कैशबुक एंड पासबुक। तो कैशबुक अगर ज़्यादा है तो पासबुक में कम है, पासबुक में कम है मतलब कैशबुक में ज़्यादा है। यस विशाल, दैट्स द आंसर। यस या कोई बात नहीं, जितने लोगों को नहीं आ रहा है मैं एक और स्टडी मटेरियल का सम ले लूँगा, उसमें डरने की क्या जरूरत है? आप कैसे यूट्यूब पे घुमाते रहिए, ठीक है? क्लियर है? एक बार फटाफट यस है सबके? स्टार्टिंग पॉइंट आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर कॉपी कर लिया होगा, ठीक है? सुपर, चलो काम करते हैं। आपके लिए मैं कर ही लेता हूँ, एक बेसिक सम ले लेता हूँ, ठीक है? चलो एक स्टडी मटेरियल का सम लेते हैं। आप मेरे को 1 2 3 4 खेल के दो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, 1 2 3 4 खेल के दो, 1 2 3 4। चलो ऐसी एक सम ले रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है? मैं आपके लिए एक सम ले रहा हूं, मैं इधर एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, कैशबुक पासबुक और ऑफिशियली ये रिसीप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है, ये अपना विड्रॉ स्टैंडर्ड है, डिपॉजिट साइड है। तो मैंने ऑफिशियल प्लस माइनस डाल दिया, बट सम के हिसाब से अलग भी हो सकता है, ठीक है? ये मैंने वर्किंग नोट बना दी। ओके, पहले देख लेते हैं बैलेंस एज पर कैशबुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मुझे बताओ मुझे क्या सोचना है। हाँ मैं आऊँगा रियल, अरे रियल में भी बनता है, ठीक है? रियल में बनेगा, आपको एग्जाम में तो करना है, रियल में बनता है, बट हम लोग पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। आपको 5 या 10 मार्क्स से फर्क पड़ता है ना, तो मुझे बताइए बैलेंस एज पर कैशबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये कौन सा बैलेंस है, ये किसकी बात कर रहा है? एक बैलेंस एज पर कैशबुक अगर आपको ये दिया है तो स्टार्टिंग पॉइंट मुझे बताइए क्या दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट बताइए कौन सा वाला है, क्या ये है वो, क्या स्टार्टिंग पॉइंट ये है? यस, इफ बैलेंस एज पर कैशबुक बोला है, सर बैलेंस एज पर कैशबुक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, कुछ नहीं बोला तो बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट ही होता है, ठीक है? फेवरेबल, परफेक्ट। तो मुझे क्या सोचना है अगर कैशबुक का फेवरेबल है, मुझे सोचना क्या है फेवरेबल एज पर कैशबुक है तो सोचना क्या है? अगर कैशबुक का फेवरेबल है तो किसके बारे में सोचेगा, किसके बारे में सोचेगा, खुद के बारे में सोचेगा, दूसरे के बारे में सोचेगा, दूसरे के बारे में सोचेगा, ये फेवरेबल बैलेंस है। तो क्या सोचेंगे पूरे समय में? पासबुक में ज्यादा है तो प्लस, पासबुक में कम है तो माइनस, ये आपका गुरु मंत्र हो गया। पासबुक में जो ज्यादा होगा उसको ऐड करेंगे, पासबुक में कम होगा तो हम उसको माइनस करेंगे, ठीक है? यस, डेबिट बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस पर कैशबुक मतलब डेबिट बैलेंस पर कैशबुक। चलो अभी एक एक करके मुझे केबीसी खेल के दो, 1 2 3 4 आपकी बारी स्टार्ट होती है। आप मुझे बताइए ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो कहाँ पे गया है? 1 2 3 4 1 2 3 4 चलो बताइए। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक ऑफ 1,36,000 1 2 3 4 चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 बताइए।
बताओ बताओ बताओ, चेक इश्यू किया है, लॉजिकल यार, चेक इश्यू करना मतलब पेमेंट किया है यार, चेक इश्यू कर रहे हो, सामने वाला बंदा आया, ये ले भाई चेक लेके जा मेरे ऑफिस से निकल, तो क्या करेंगे उसको हम लोग, क्या करेंगे, 1 2 3 4, भाई ये वन क्या बोल रहा है, रेनू वन कैसे चेक इश्यू किया है, क्या होता है कैशबुक ये साइड, ये तो रिसीप्ट साइड होता है ना, टू है ना, चेक इश्यू करना, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब हमने चेक इश्यू किया बट सामने वाला पार्टी बैंक में गया है, तो इट्स नंबर टू, तो 1,36,000 की एंट्री यहाँ पे हुई है, मेरा 36, नेहा पटेल जो वन बोल रहे हो शांति से सुनिए, शांति से सुनिए, वन कैसे हो गया, चेक इश्यू में वन कैसे हो सकता है, रिसीप्ट थोड़ी हो, इश्यू कर रहे हो आपने चीज़ चेक, आप खुद को महसूस करो ना वहाँ पे, आपने चेक इश्यू किया है तो आपने क्या किया होगा, चेक लिखा साइन की अपने क्लाइंट को दे दिया, और जैसे क्लाइंट तो भाई अपना चप्पल पहन के ऑफिस से भी बाहर नहीं गया होगा, हमने ड्रॉर से कैशबुक निकाली, कैशबुक निकाली और पेमेंट साइड पर एंट्री कर दी कि चलो ये तो चेक इश्यू हो गया, बट क्या बैंक से माइनस हुआ है, नहीं हुआ है, क्यों, अभी अब तक क्लाइंट आपका बैंक में ही नहीं गया है, तो माइनस कैसे होगा, ठीक है, तो ये आपका नंबर वन आपने खेल लिया है, मेजोरिटी लोगों ने आंसर दिया नंबर टू, ग्रेट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट यर क्लियर, बताइए 1 2 3 4, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट यर क्लियर, हाँ पहला वाला पेमेंट किया था, इश्यू मतलब पेमेंट किया था, अभी मुझे सेकेंड वाला बताइए, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्लियर, 1 2 3 4, यस, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, कितने लोग आंसर देते हैं, यस, चेक डिपॉजिट का मतलब कैशबुक डेबिट साइड में ना, सुनिए रितिका सुनिए, कोई मुझे चेक देगा तो ही मैं डिपॉजिट करूंगा ना, ऐसा थोड़ी है कि भाई उधर सीधा चेक चले जाएगा बैंक में उड़ के, चेक मुझे कोई मिलेगा तो ही तो आप डिपॉजिट करोगे ना, तो मिलेगा आप पूरा प्रोसेस समझिए, कोई आपको चेक देता है, आप कैशबुक खोलते हो, एंट्री करते हो, फिर बैंक में जाके डिपॉजिट करते हो, फिर बैंक में क्लियर होता है, ये बैंक का प्रोसेस तो समझिए, यस, इट्स नंबर वन, इट्स 90,000 ईयर, परफेक्ट, नंबर वन, एक नंबर, एक नंबर, नंबर वन, यस, परफेक्ट, इट्स नंबर वन, बैंक चार्जेस ₹300, बैंक ने चार्ज मारा है ₹300, 1 2 3 4, बैंक ने चार्ज मारा है, समझ में आता है, चार्ज आता है मतलब पैसा गया, आपके लिए माइनस हुआ है, तो किधर 1 2 3 4, बैंक चार्जेस अमाउंट ₹300, किधर आएगी एंट्री, यस सलोनी फाइन परफेक्ट, शेख राबिया राइट, मैत्री फटाफट फटाफट, वेटिंग फॉर मोर आंसर्स, यस पासबुक के डेबिट साइड पे, क्योंकि बैंक ने वो चार्ज काट दिया तो एंट्री हो गई यहाँ पे, परफेक्ट 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 परफेक्ट, सुपर सुपर सुपर, ग्रेट, क्रेडिट इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, लिखा ही है इंटरेस्ट क्रेडिट किया है बैंक ने, तो कहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो जो 5 नंबर वाला केस है वो 1 2 3 4, यस यस ऑफकोर्स, आपने ऊपर वाले का तो आंसर दे दिया है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ओके ग्रेट ग्रेट, यस यस, इंटरेस्ट पासबुक के क्रेडिट साइड पे, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, 1 2 5 0 की एंट्री यहाँ पे हुई है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको सिर्फ 1 2 3 4 खेलना आना चाहिए, 1 2 3 4 खेलना आ गया फिर ऊपर का लगाना और हो जाएगा सिंपल, परफेक्ट 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 परफेक्ट, अभी बैलेंस पर पासबुक भी आपको दिया है तो ये अच्छी बात है, आपका बैलेंस ये सब रिकनसिडर करने के बाद यहाँ पे आना चाहिए, तो आपका तो ये नीचे जो दिया बैलेंस पर पासबुक, तो कैशबुक का बैलेंस आपको दिया था 2,40,000 और पासबुक का इतना दिया था, टैली नहीं हो रहा इससे तो हम रिकंसल्ट कर रहे हैं, तो लेट सी कि ये सब करने के बाद हमारा आंसर यहाँ से लेके हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, ये ऐसे समझौता तो ज़्यादा अच्छा है, हमें क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आंसर, अभी मुझे बताओ सोचना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, फेवरेबल बैलेंस पर कैशबुक, अगर कैशबुक का फेवरेबल है तो हमें किसके बारे में सोचना है, पासबुक के बारे में सोचना है, पासबुक में ज़्यादा है तो प्लस, तो पासबुक में ज़्यादा है तो ये वाला आंसर प्लस, पासबुक में कम है तो माइनस, पासबुक में ज्यादा है तो प्लस, पासबुक में कम है तो माइनस, सर ये कैशबुक में कम है, अरे कैशबुक में कम है बट सोचना क्या है, पासबुक का सोचना है, तो कैशबुक में कम है मतलब पासबुक में क्या है, ज्यादा है तो ये हो जाएगा प्लस, सर ये पास ये कैशबुक में ज्यादा है तो कैशबुक में ज्यादा है बट मुझे सोचना है पासबुक के बारे में, तो कैशबुक में ज्यादा है तो पासबुक में क्या होगा, कम, बस आपका सोल्यूशन रेडी, आपको क्या करना है 2,40,000 में, 2,40,000 में आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट, और आपको आंसर आ जाएगा, तो जो मैंने नीचे रेड में सर्कल किए वो आपको सोल्यूशन है फ्रॉम 2,40,000, सिंपल, क्लियर,
तो आपका जो शुरुआत है 240,000 में, ये रहा 240,000 का आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। मैंने क्या बताया, 1250 को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, प्लस कर दिया, देखो ऐड में क्या 1250, फिर एक और प्लस में क्या है 1,36,000 भी आपका प्लस में होना चाहिए, मैंने बताया 1,36,000 भी आपका प्लस में हो गया। और बाकी की दो चीज़ें माइनस में है, 300 माइनस में है, 90,000 माइनस में है, तो 300 माइनस में 90,000 माइनस में, दिस इज योर आंसर, खत्म। सिंपल है, पहले सिंपल चीज़ों को रखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, एंड आपको लैंग्वेज समझना है, इसमें लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई चेक को डिपॉजिट करना, अगर आपको मतलब नहीं मालूम है तो आप गलत कर दोगे। देखो आपको सम आ जाना, समझ जाना चैप्टर, दैट्स फाइन, बट आपको जो लिखा हुआ है इनकी लिखावट को भी समझना होगा। एंड इसीलिए मैं बताऊँ स्टडी मटेरियल से कीजिए, बिकॉज वही सब चीज़ें वो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो लोग का लैंग्वेज क्या है। आपको मालूम है BRS चेक डिपॉजिट किया तो ये होगा, बट हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं, शायद से आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ, बट आपको लैंग्वेज पे फोकस करना होगा, इसलिए आपको सम्स काफ़ी टाइम रीड करने होंगे। जैसे कुछ BRS बनता है, ऐड एंड लेस करना है, बैलेंसेस पर कैशबुक स्टार्टिंग पॉइंट, बैलेंसेस पर पासबुक आपको आ गया, कैशबुक से स्टार्ट करोगे तो पासबुक आएगा, पासबुक से स्टार्ट करोगे तो कैशबुक आएगा। क्लियर है ये? आई थिंक मैंने आपको ये वाला एक इजी सम क्लियर कर दिया है। एवरीवन फटाफट चैट में यस दीजिए अगर ये आपको क्लियर है तो। फिर और थोड़े डिफरेंट टाइप्स के हम सम्स करना चाहेंगे। चलो बताइए, क्लियर? बोलो बोलो फटाफट फटाफट। कैशबुक बना, कोई भी सम हो BRS का, कोई भी सम हो BRS का, कैशबुक बना दो, वर्किंग रूम में पासबुक बना दो, ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस है उसको 1 2 3 4 में डाल दो, ठीक है? सिंपल, स्टेप वन इज ओवर। देन स्टार्टिंग पॉइंट देखो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट होगा कैशबुक का होगा डेबिट या क्रेडिट, पासबुक होगा डेबिट या क्रेडिट, एंड देन वो हिसाब से सोचना स्टार्ट करो, दैट्स सिंपल, ठीक है? मैं ज़्यादा इस पर क्यों कैसे क्यों BRS बनाते हैं उस पर नहीं करना, बिकॉज मुझे भी मालूम है आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट है मार्क्स लाने में, मार्क्स लाने अच्छे, हो गया फिलहाल। यस हाँ, कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे जो लोग ने जैसे लिखा है एडलेस यूज कीजिए, चलेगा, दैट्स फाइन, एडलेस यूज कीजिए। अरे डरने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, देखो सिंपल है, आई थिंक आप लोग तो ये यूट्यूब लेक्चर्स काफी टाइम से अटेंड कर रहे हो, ये कोर्स पैसे कमाने के लिए, ठीक है? आप अपने शौक से, तो शौक से कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, दिस इज़ फॉर अर्निंग योर मनी। अगर पैसा कमाना इजी है तो ये कोर्स इजी होगा, तो वो आपसे डिमांड करेगा, दिस विल डिमांड फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू, वो डिमांड हम अपने अपने हिसाब से आप पढ़िए, ऐसा कोई नहीं कि किसी को 10 घंटे में बोलूँगा पढ़ने को, किसी को 14 घंटे, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जो भी पढ़ रहे हो 100% फोकस है, दैट्स इट, सबका अपना अपना वे होता है पढ़ने का, बट हाँ मैं बोलूँगा इसमें एफर्ट्स आपको लगेगा, बिकॉज दिस कोर्स आप मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ये मार्क्स के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो, दिस इज़ फॉर अर्निंग द मनी। अगर पैसा कमाना इजी है तो ये कोर्स आपके लिए इजी होगा, अगर आपको लगता है पैसा कमाना डिफिकल्ट होता है तो ये आपसे एफर्ट्स मांगेगा, सिंपल, इसमें और कुछ होता नहीं है। या चलो और एग्जांपल्स लेते हैं ना, इसमें क्या हो गया, और एग्जांपल्स लेंगे, ये वही क्वेश्चन था जो स्टडी मटेरियल से मैंने लिया था, सो दैट्स फेयर इनफ। चलो और एक दो क्वेश्चंस आपके लिए मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे खुला ही है तो स्टडी मटेरियल ओपन ही है तो कर लेता ना, स्टडी मटेरियल आपके पास, सबके पास घर पे तो होगी तो फाइन। ओके पहले क्या दिया है, द बैंक पासबुक ऑफ नर्मदा शोड अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 टू अवर क्रेडिट व्हाइल बैलेंस एज पर कैश बुक इज दिस। सर हमें दो दो स्टार्टिंग पॉइंट दिए हैं तो हम किससे स्टार्ट करें, इट्स योर चॉइस। अगर आपको दो दो स्टार्टिंग पॉइंट दिए हैं, अगर आपको दो दो स्टार्टिंग पॉइंट दिए, स्टार्टिंग पॉइंट नंबर वन, और अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट नंबर टू भी दिया है, तो इट्स योर चॉइस, आपको जहाँ से शुरुआत करना आप कर सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बट एक चीज़ अच्छी है, आपको आंसर भी दे दिया क्वेश्चन में कि यहाँ से शुरुआत करोगे तो ये आंसर आना चाहिए, यहाँ से शुरुआत करोगे तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है? मैं सिंपल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक छोटी सी कैशबुक और पासबुक बना दूंगा, मेरे को सिर्फ उस पर इंटरेस्ट है KBC खेलने में। ये इसका ओरिजिनल प्लस, ओरिजिनल माइनस, ओरिजिनल माइनस, ओरिजिनल प्लस, ठीक है? ये ओरिजिनल वाला डाल दिया। अभी मेरे पास, मुझे आपसे सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, द बैंक बैलेंस, द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड टू अ क्रेडिट, मतलब ये है, ठीक है? द बैंक पासबुक ऑफ नर्मदा शोड अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 टू अवर क्रेडिट। तो ये क्या होता है, फेवरेबल होता है कि ओवरड्राफ्ट होता है, ये फेवरेबल है या ओवरड्राफ्ट बताइए, ये फेवरेबल है या ओडी है बताइए।
पासबुक का जो क्रेडिट वाला जो बैलेंस है वो फेयरवेल है या ओडी है, ओवरड्राफ्ट है, बताइए बताइए बताइए। हाँ पहले फेयरवेल है कि ओडी है मुझे बता दीजिए। यस यस बताइए। फेवरेबल है, परफेक्ट, ये फेवरेबल है, तो दिस इज योर फेवरेबल। तो अगर पासबुक का फेवरेबल है तो सोचना क्या है, पासबुक बोल रहा है मैं अच्छा हूं, मैं फेवरेबल हूं, मैं अच्छा हूं, पासबुक बोल रहा है मैं फेवरेबल, तो सोचना क्या है पूरे समय, पासबुक के बारे में सोचना है कैशबुक के बारे में सोचेंगे। यस अभी किसके बारे में सोचेंगे, अगर पासबुक का फेवरेबल है अच्छा है तो किसके बारे में सोचेंगे, तो कैशबुक के बारे में सोचेंगे। तो क्या सोचेंगे, कैशबुक में ज्यादा है तो प्लस, कैशबुक में कम है तो माइनस, सिंपल। कैशबुक में ज्यादा है तो प्लस, मतलब कैशबुक में अगर ज्यादा है तो प्लस करेंगे, कैशबुक में कम है तो माइनस करेंगे। बस अभी आपको केबीसी खेलना है, 1 2 3 4 एंड दैट्स इट, डन, 1 2 3 4 एंड इट्स ओवर, ठीक है, फाइन। चलो अभी मजा आएगा। चेक्स इश्यूड, आपने 80,000 के चेक इश्यू किए, ठीक है, अभी मुझे मालूम है इश्यू किया मतलब आपने 80,000 के चेक इश्यू किए, मतलब आपने यहां पे एंट्री कर दी है। ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब 32,000 के क्लियर हो गए, आपने 80,000 के चेक इश्यू किए हैं जिसमें से 32,000 के तो क्लियर हो गए ना, तो मुझे बताइए बीआरएस कितना करना है। मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपने 80,000 के चेक इश्यू किए हैं तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। यस यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, इसमें से 32,000 के वर प्रेजेंटेड, मतलब 32,000 के तो क्लियर हो गए हैं, तो मुझे बताएं नेट अमाउंट कितना बचा जिसका मुझे रिकनसाइल करना है। 80,000 माइनस 32,000 कितना हो जाएगा, जो डिफरेंस है 80,000 के आपने चेक इश्यू किए बट उसमें 32,000 के क्लियर हो गए, मतलब 32,000 के भी क्लियर हो गए, तो जो डिफरेंस है उतने का ही हम रिकंसिलेशन करेंगे ना, तो वो डिफरेंस क्या है। यस परफेक्ट सुपर्ब, तो मुझे सिर्फ 48,000 ही यहाँ पे लिखना, मुझे सिर्फ 48,000 का ही रिकंसिलेशन करना है। तो ऐसा भी आपको समय आ सकता है कि आपने 80,000 के चेक दिए थे उसमें 32,000 के क्लियर हो गए, अरे तो उतने के तो क्लियर हो गए ना, तो उतना तो रिकंसाइल हो गया, तो बचा हुआ जो नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है उसी का तो रिकंसिलेशन करना है, क्योंकि वो चेक अभी भी मेरा क्लाइंट बैंक में डाला नहीं है। परफेक्ट 48,000, तो पहला वाला आंसर आपने दे दिया। शी रिसीव्ड अ चेक, हमें चेक मिला, मुझे बताओ मेरे को चेक मिलेगा तो मैं क्या करूंगा। शी रिसीव्ड अ चेक विच शी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इट इन टू बैंक, मुझे बताइए 1 2 3 4। शी मतलब जो भी है यहाँ पे नम्रता, नम्रता को चेक मिला है 5,000 का जो उसने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, तो 1 2 3 4 अगर मुझे 5,000 का चेक मिला है तो मैं कहाँ पे एंट्री करूँगा, मिला है तो कहाँ पे एंट्री करूँगा मैं बताइए। फोर चेक 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 फोर पासबुक में से तब वो उड़ के आ जाएगा पासबुक में, वन नंबर ना चेक मिला है तो भाई चेक को, चेक मिलेगा फिर हम लोग स्लिप भरते हैं ना भाई, कभी देखा है लाइफ में कि चेक को बैंक में डिपॉजिट करना पड़ जाना जाना पड़ता है ना, तो मैंने कैशबुक में रिकॉर्ड कर लिया, लिखा भी है ना शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक, बट अगर उसने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया तो बैंक में क्लियर कैसे होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रीड करिए शांति से, आपको समझेगा। अ चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर बट नॉट येट क्लियर, चलो बताइए अभी ये बताइए, तीन नंबर का भी बताइए। चेक ऑफ रुपीज 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर, तो डिपॉजिट किया होगा मतलब उसको चेक मिला होगा, उसको चेक मिला होगा तो उसने अपने ड्रॉअर से कैशबुक निकाली होगी, कैशबुक निकाली होगी और एंट्री की होगी। यस यहाँ पे एंट्री की होगी बट वो अब तक, बट नॉट येट क्लियर मतलब बैंक में अब तक क्लियर हुआ नहीं है, मतलब पासबुक में अब तक वो भरा नहीं है, सिंपल 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 फाइन ग्रेट। चार नंबर बताइए, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ, हमारे कस्टमर था गुप्ता, डिपॉजिट उसने पैसे डिपॉजिट कर दिए इन हर बैंक, नम्रता के बैंक में जाके उसने पैसे डाल दिए, विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक, बताइए। मेरा क्लाइंट था उसने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए बट मुझे मालूम नहीं है, मुझे नहीं मालूम है तो मेरे कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं है, मतलब मेरे ड्रॉ से कैशबुक से निकाली नहीं है, तो ये 1 2 3 4 मिस्टर गुप्ता वाला। यस मुझे 1 2 3 4 के हिसाब से बताइए। फोर परफेक्ट 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 सुपर सुपर, 15,700 की एंट्री यहां पे हुई है, पासबुक बैलेंस बढ़ गया है, ग्रेट। बैंक क्रिएटेड इंटरेस्ट, चलो मैं लिख ही देता हूं, बैंक ने इंटरेस्ट क्रिएट किया मतलब मुझे 1,500 रुपये यहां पे दे दिए, बढ़ गया। एंड चार्ज किए, चार्ज किए मतलब कम हो गया, तो 250 रुपये यहाँ पे आ गया,
चार्ज के मतलब मेरे बैंक से पैसे काट लिए। बस एक बार आपने केबीसी खेल लिया ना, फिर कुछ नहीं है, ये आपको आना चाहिए 1 2 3 4 खेलना। अगर एक बार आपने 1 2 3 4 खेल लिया, करेंगे करेंगे एडजस्टेड कैश बुक सब करेंगे, टेंशन मत लो। तो ये अगर आपने कर लिया, अभी आपका थिंकिंग पॉइंट कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा है तो प्लस, और कैश बुक बैलेंस कम है तो माइनस। कैश बुक बैलेंस ज़्यादा है तो प्लस, तो ये वाला प्लस में जाएगा, कैश बुक बैलेंस कम है तो माइनस में जाएगा। तो ये पासबुक में कम है तो पासबुक में कम है मतलब कैश बुक में ज़्यादा है, ये हो जाएगा प्लस, और ये पासबुक में ज़्यादा है मतलब कैश बुक में कम है। और ये जो रेड में मैंने किया है, दैट्स योर आंसर। आप यहाँ से शुरुआत करेंगे 1,50,000 से और ये प्लस माइनस करोगे, एंड दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। क्लियर गाइस? मैंने आपके लिए दो तीन बेसिक सम्स भी ले लिए हैं, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। बताइए करेंगे करेंगे एडजस्टेड कैश बुक भी करेंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो। कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो एडजस्टेड कैश बुक भी मेरी ये पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा। बोलिए क्लियर? फटाफट यस बताइए। इज एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर? देखो मेरे को फोकस करना है, टू द पॉइंट आना है, मेरे को घुमा फिरा के कुछ ज़्यादा बताने नहीं है, मेरे को वही चीज़ बतानी है जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और मुझे मालूम है कि वही चीज़ आपको चाहिए। ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल टू द पॉइंट आना है आपको। आपके सामने यहाँ पे जो 2.5-3 घंटा अगर आप बैठ रहे हो, दैट शुड बी पूरा यूटिलाइजेशन। बताइए क्लियर है? फटाफट मुझे यस नो यस 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 बता दीजिए चैट पे। चलो फटाफट देखो, इसमें आपकी अलग अलग मेथड्स होगी, आप फॉलो कीजिए। आप 11th स्टैंडर्ड से ही कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रेड वाला क्लियर नहीं हो रहा है? कौन सा रेड वाला क्लियर नहीं हो रहा है भाई? मैंने रेड वाला तो इसके हिसाब से बताया ना, अगर कैश में ज़्यादा है तो प्लस, कैश में कम है तो माइनस। जो कैश में ज़्यादा है तो उसको प्लस कर दिया, कैश में कम है तो माइनस कर दिया। बट ये पासबुक में कम है, बट मुझे तो कैशबुक के हिसाब से सोचना है। तो जो पासबुक में कम है वो कैशबुक में ज़्यादा है, और जो पासबुक में ज़्यादा है वो कैशबुक में कम है, बिकॉज मुझे पूरा सम कैशबुक के हिसाब से सोचना है ना इसके लिए। ठीक है, हाँ दैट्स फाइन दैट्स फाइन। अगर आप प्लस माइनस वाला फॉलो कर रहे हो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर किसी को और चाहिए तो और भी सम प्रैक्टिस करते हैं, उसमें क्या हो गया। चलो एक और कर लेते हैं, नहीं आ रहा ना, स्टडी मटेरियल खोला है। चलो मैंने नहीं बताया तो भी कर लेते हैं, आपके लिए हो जाए। ठीक है, रैंडम आपके लिए। BRS का समय हम एक छोटा सा बना देंगे, यहाँ पे कैश बुक और यहाँ पे बना देते पासबुक। ठीक है, ओरिजिनल प्लस ओरिजिनल माइनस, ओरिजिनल माइनस ओरिजिनल प्लस। ठीक है, ये कर दो, कर दिया। स्टार्टिंग पॉइंट देख लो, स्टार्टिंग पॉइंट देख लेते। द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो ये है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब ये हो गया ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक के साथ ही बुरा हो रहा है, कैश बुक के साथ ही ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक के साथ ही बुरा हो रहा है। तो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? कैश बुक के साथ बुरा हो रहा है तो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? बताइए, क्या मैं पासबुक का सोचूं, क्या मैं कैश बुक का सोचूं? क्या मैं पासबुक का सोचूं या मैं खुद के बारे में सोचूं? देखो मैं आपके सामने स्टडी मटेरियल के सामने दे रहा हूँ। यस, माइनस साइड सामने ओवरड्राफ्ट, तो अगर माइनस साइड है तो किसके बारे में सोचूं, किसके बारे में सोचूं? कैशबुक का अगर ओवरड्राफ्ट है तो मैं किसके बारे में सोचूं? यस यस परफेक्ट। कैशबुक में ज़्यादा है तो प्लस, और कैशबुक में कम है तो माइनस। मैं पहले इसका आंसर भी लिख देता हूँ, कैशबुक में ज़्यादा है तो प्लस, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा कलर ही कर देता हूँ। तो ये वाले सब आंसर यहाँ पे प्लस हो गए। सॉरी, ये अच्छा कलर नहीं है, मैं यहाँ से यहाँ पे, तो ये वाला आंसर प्लस होगा और ये माइनस होगा। कैशबुक में ज़्यादा है तो प्लस, तो प्लस वाला प्लस, माइनस वाला माइनस। तो पासबुक में क्या, देखो भाई सिंपल है ये, आई थिंक आप लोगों को समझ गया होगा, बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करो। ये पासबुक में कम है मतलब कैशबुक में ज़्यादा है, और ये साइड पासबुक में ज़्यादा है मतलब कैशबुक में कम है। तो ये मेरा ग्रीन कलर का जो है, मैंने जो ग्रीन किया है वो आपका ओरिजिनल सम का प्लस माइनस है, ओरिजिनल सम का प्लस माइनस, ओरिजिनल सम का प्लस माइनस। ठीक है, ये ओरिजिनल सम का प्लस माइनस। अब एक एक करके केबीसी खेलेंगे 1 2 3 4 एंड दैट्स इट, सम इज डन। ठीक है, ऐसे करके अगर आप हर एक सम को प्रैक्टिस करोगे, रीड करोगे, और अगर आपको समझ गया, फेयर इनफ, हर एक चैप्टर्स आपके इजी हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपके लिए, मैं बाकी सब चैप्टर्स भी इजी कर दूंगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। ये ग्रीन कलर इजी है, मेरे को एक बार फटाफट चैट में यस दीजिए। मैंने वही बुक खोली है जिससे जो इम्पोर्टेंट है,
यस, मैंने क्या बोला है, कैश बुक में ज्यादा है तो प्लस, तो कैश बुक में ज्यादा है तो प्लस, कैश में कम है तो माइनस, तो कैश में कम है तो माइनस। बट ये तो पासबुक, बट जब भी हम पासबुक में जाते हैं तो जो पासबुक में माइनस है वो कैश बुक में ज्यादा है, और जो पासबुक में ज्यादा है वो कैश बुक में कम है। क्लियर है? फटाफट मुझे चैट में यस चाहिए। ये क्लियर है? फिर मैं केबीसी खेलूंगा विथ ऑल द ट्रांजेक्शन, 2 3 4 5 6। फटाफट चैट में यस दीजिए, चलो फटाफट फटाफट। सुपर, चलो ग्रेट। और टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, हम लोग मुद्दे पे ही आ रहे हैं, पढ़ाई पे, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करेंगे, लास्ट में अगर कुछ बात करने की तो करेंगे, अदरवाइज अभी फुल फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए, बिकॉज आपके लिए भी टाइम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये करो वो करो कुछ नहीं, पहले इस कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर अपने आप सब चीज़ें हो जाएगी। पहले से बताओगे ये करना है वो करना है, पहले कर लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग दिस 160 इज एंटर्ड इन पासबुक। एंटर इन पासबुक का मतलब पासबुक में एंट्री हुई है, बट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, पासबुक में बैलेंस क्या हुआ रहेगा बताइए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बताइए। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स 160 इज एंटर्ड इन पासबुक, 1 2 3 4, आपको क्या लगता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लॉजिक मालूम होगा तो हो जाएगा। यस 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 रिशु, फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा रहता है वही हिसाब से सोच लेने का। यस, आपके वास्ते वीडियोस भी मिलेंगे, आपको तो यूट्यूब पे दिखेगा तो आप रिवाइंड कर भी देख सकते हो। रितिका बुडरी, 1 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6 मंथ्स इज एंटर्ड इन पासबुक, तो एंटर्ड इन पासबुक है तो 1 और 2 तो आ ही नहीं सकता है। बताइए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 160 इज एंटर्ड इन पासबुक। यस सलोनी, सलोनी ने राइट आंसर दिया, तनिष ने राइट आंसर दिया, चैन फैन यस यस, सत्यम, माधवी, रिया, तन्वी, रितिका यस। अरे भाई ओवरड्राफ्ट क्या होता है भाई? ओवरड्राफ्ट मतलब आपने बैंक में बैलेंस, ओवरड्राफ्ट का मतलब नहीं मालूम है क्या? इतने टाइम से आप करो, 11 12 में आपने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल दिया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया, नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो आप बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी ना, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। भाई सीए करने वाले हो, अकाउंट्स करने वाले हो, ये सब नॉर्मल बेसिक टर्म से मालूम होना चाहिए ना। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ने मेरे अकाउंट से काटे पैसे, इंटरेस्ट चार्ज किया है। ठीक है प्रेम, आप अगर आप चाहिए तो आप 1 2 3 4, मेरे उसके लिए उसका कुछ है नहीं वो, अगर आपको चाहिए तो मैंने वैसे सीखा है, 1 2 3 4 आपको जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे एमसीक्यू की तरह पढ़ाने के लिए मैंने 1 2 3 4 लिखा है। बैंक चार्ज ₹400 आर डेबिटेड इन पासबुक ऑनली, ये तो लिखा ही हुआ है डेबिटेड इन पासबुक, ये मैं पूछना भी नहीं चाहता हूँ, डेबिटेड इन पासबुक, ये ₹400 की एंट्री यहाँ पे हुई है डेबिटेड इन पासबुक। चलो ये बताइए, चेक इश्यूड, समझ गए होगे, बट नॉट कैश प्रायर टू दिस, इश्यू किया है चेक, अभी आंसर दे दो यार, चेक इश्यू किया मतलब कहाँ पे बताइए, बताइए चेक इश्यूड मतलब क्या, कहाँ पे हुई रहेगी, 1 2 3 4, चेक इश्यूड बताइए, बताइए चेक इश्यू किया है, समझ गए होगे, मैं सिर्फ चेक इश्यू पढ़ूंगा तभी समझ जाना है आपको। यस ऋतिका, परफेक्ट परफेक्ट, चेक इश्यूड मतलब आपकी एंट्री हो गई 11,60,000 की यहाँ पे, परफेक्ट परफेक्ट, सुपर सुपर। चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर, अभी चेक्स ये उन लोग की लैंग्वेज है, पेड इनटू द बैंक मतलब चेक को बैंक, चेक को बैंक, हम लोग क्या बैंक को थोड़ी ना चेक से पे करते हैं, इसका मतलब चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये लोग की लैंग्वेज से आपको खेल, ये आपके आपके साथ खेलते हैं ये एग्जामिनर्स, सो आपको ये लैंग्वेजेस पढ़ के जानी है। आप बैंक को थोड़ी ना कोई चेक से पे करोगे, आपको चेक मिला है जो आपने बैंक में चेक को डिपॉजिट किया है, इसी को ये लोग बोल रहे हैं चेक्स पेड इनटू द बैंक, चेक्स पेड इनटू द बैंक मतलब चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, आप ही समझिए, आप बैंक को क्यों चेक दोगे, थोड़ी बैंक को थोड़ी कोई पेमेंट करना है, आपने आपके पास जो चेक आया है उसको आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो ये एंट्री कहाँ पे हुई रहेगी। यस चैट पे काफ़ी लोग लिख रहे हैं, दैट्स नंबर 1, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एवरी सम यू हैव टू गो वंस, अगर आपको आ भी गया तो आपको इनकी लैंग्वेज समझनी है, क्योंकि ये लोग ये सब लैंग्वेज यूज़ करोगे, आप बोलोगे पेड है तो भाई इश्यू किया, अरे भाई बैंक को पे कर रहा हूँ, हम बैंक को क्यों पे करेंगे चेक पहले, वो तो कॉमन सेंस लगाइए, चेक्स पेड इनटू द बैंक मतलब चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ओके एंड नाउ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक, दिखाइए क्रेडिट इन द पासबुक, ये आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है क्या? अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, जिसको नहीं आ रहा था उनके लिए मैंने क्लियर किया, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं काफ़ी लोग, आई थिंक मे बी जो क्लासेस में आते हैं वो भी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी थोड़े लोग नए भी हो गए, बट क्या यहाँ तक क्लियर है? 1 2 3 4, चेक इश्यू बट नॉट क्लियर, वी माइनस इट अर्लियर, सो वी
नहीं मैं आ रहा हूँ ना, मैं अपनी तरीके से सिखा रहा हूँ, प्लीज डोंट वरी। बट पहले मैंने क्या कर दिया, जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको 1, 2, 3, 4 में डाल दिया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, मतलब मैंने नंबरिंग दिया हुआ है। बट अभी मेरे मैंने को ओरिजिनल सम में क्या करना है, कैश में ज़्यादा तो प्लस, तो ये वाला ये 2 लाख ये प्लस होगा, देखिए ये प्लस में गया, ये माइनस में जाएगा, ये देखो माइनस में गया, फिर जो 5 में कम है वो कैश में ज़्यादा है, तो ये दोनों किस में जाएगा, ये दोनों प्लस में जाएगा, ये ना दोनों प्लस में गया, और ये किस में जाएगा, माइनस में, तो नीचे माइनस में गया, एंड दैट्स इट, यू विल गेट योर आंसर। मैंने आपको सिंपल क्या बताया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 3-3 सम कर चुके हैं, कैश बुक पासबुक बना दो वर्किंग रूम में, 1, 2, 3, 4 में फिलअप कर दो जो भी ट्रांजेक्शन है उसको, या तो 1, 2, 3, 4 में फिलअप कर दो, स्टार्टिंग पॉइंट देखो, सोचो ख़त्म करो, ठीक है, सोचो ख़त्म करो। आई होप यहाँ तक क्लियर है, फिर मैं एक और पॉइंट पे लेना चाहूँगा। बताइए सबको क्लियर है यहाँ तक, फटाफट येस बताइए, फिर एक और चीज़ डिस्कस करनी है मुझे यहाँ पे, फटाफट बताइए, क्लियर 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 एवरीवन, मुझे फटाफट चैट में येस दीजिए, फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको। बोलो बोलो बोलो, वेट कर रहा हूँ। एवरीवन क्लियर, जितने भी लोग देख रहे हो, 100 के ऊपर लोग देख रहे हो, बट फटाफट बताइए क्लियर है, ठीक है। आपके लिए मैं इजी कर रहा हूँ, आपको बस ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, लिखना है तो वो क्वेश्चन ऐड में क्वेश्चन लिखना, वो सब आपको आ जाएगा, वो सब चीज़ों में मैं नहीं सोच रहा हूँ कि वो सब नहीं आ रही, आपको आंसर पे लाना है, आपको मेन चीज़ें समझनी है, ठीक है। अभी एक चीज़ याद रखिए, हमेशा अगर आप कैशबुक से स्टार्ट करोगे तो आपका आंसर पासबुक में ही आने वाला है, कैशबुक से स्टार्ट करोगे तो पासबुक में आएगा, पासबुक से स्टार्ट करोगे तो कैशबुक में आएगा, दैट्स इट क्लियर। बट कभी कभी क्या होता है, आपका आंसर नीचे नेगेटिव में आ जाता है, आपने कैशबुक से स्टार्ट किया, आप पासबुक में पहुंचोगे, आप पासबुक से स्टार्ट करोगे, आप कैशबुक में आओगे, दैट्स क्लियर। बट अगर आपको नेगेटिव आंसर आता है, आपको क्या आता है, नेगेटिव, तो अगर आपने ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया है तो आपका फेवरेबल आंसर आएगा, अगर नेगेटिव आया तो। मैं वापस क्लियर करता हूँ, सुनिए, अगर आप फेवरेबल, अगर आप फेवरेबल से स्टार्ट करोगे तो आपका आंसर फेवरेबल ही आने वाला है, अगर आप ओडी से स्टार्ट करोगे तो आपका आंसर ओडी ही आने वाला है, ठीक है। फेवरेबल से फेवरेबल एज पर कैशबुक, तो फेवरेबल एज पर पासबुक, ओडी एज पर कैशबुक, तो ओडी एज पर पासबुक, ठीक है। बट अगर आपने ओडी से स्टार्ट किया और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया, आपका आंसर क्या आ गया, नेगेटिव, ओडी से स्टार्ट किया और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया तो आपका चला जाएगा फेवरेबल में, और अगर आपने फेवरेबल से स्टार्ट किया और आपका आंसर नेगेटिव में आ गया तो आप ओडी में आ जाओगे, सिंपल। यस, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ वो सुनिए, फेवरेबल एज पर कैशबुक तो फेवरेबल एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बट अगर आपका ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से आपने स्टार्ट किया और नेगेटिव आया तो आप फेवरेबल एज फेवरेबल पर चले जाओगे, अगर आपने फेवरेबल से स्टार्ट किया और नेगेटिव आंसर आ गया तो आप ओडी में चले जाओगे, सिंपल, एकदम ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। क्या ये समझा आपको मैंने क्या बताया, एक महीने में एग्जाम, बताइए क्या ये क्लियर है, मैंने क्या बताया, कुछ इंपॉर्टेंट बताया, आई होप ये क्लियर है, फटाफट चैट पे बताइए बताइए बताइए, क्लियर है। फेवरेबल एज पर कैशबुक से स्टार्ट करोगे तो फेवरेबल एज पर पासबुक, फेवरेबल एज पर पासबुक से स्टार्ट करोगे तो फेवरेबल एज पर कैशबुक, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करोगे तो ओवरड्राफ्ट, बट अगर आपने ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया है और नेगेटिव आ गया तो फेवरेबल, फेवरेबल से स्टार्ट किया और आंसर आ गया नेगेटिव तो उल्टा, क्यों कंफ्यूज हो जाते हो, बता तो दिया, ठीक है, क्लियर है ये। तो देखिए यहाँ पे आपने ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक से स्टार्ट किया था तो आपका कैशबुक से स्टार्ट किया था एज पर पासबुक ही आंसर आना चाहिए, बट आपका आ गया नेगेटिव आंसर तो आपने बोला फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, फटाफट चैट पे यस दे दीजिए। नहीं नहीं वो स्टार्टिंग में कुछ माइनस, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, स्टार्टिंग से कोई भी सब माइनस से स्टार्ट नहीं करना है, सब कुछ आपको पॉजिटिव ही स्टार्ट करना है, मैंने कभी भी ऐसा कुछ बोला नहीं है तो वो सोचो भी मत, मैंने सब सम नॉर्मल स्टार्ट किए, नीचे लास्ट में नेगेटिव आ सकता है, मैं नेगेटिव से कभी भी स्टार्ट नहीं करता एज पर माय मेथड, जो मुझे दिया मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं हमेशा प्लस से ही स्टार्ट करता हूँ, मतलब मेरे को हमेशा आंसर मैं जो लिखता हूँ स्टार्टिंग में वो हमेशा पॉजिटिव ही लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं वापस रिपीट करता हूँ ये आपको क्लियर होगा, फेवरेबल से स्टार्ट किया तो फेवरेबल आएगा, ओडी से स्टार्ट किया तो ओडी आएगा, बट ओडी से स्टार्ट किया और नेगेटिव आया तो फेवरेबल, फेवरेबल से स्टार्ट किया नेगेटिव आया तो ओडी, मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैंने वो सब चीज़ें बात ही नहीं की तो आप उसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, नहीं होगा वो सब,
बताइए फटाफट फटाफट, चैट पे यस दीजिए। क्लियर है तो सब कुछ हो जाएगा, हार्ड सॉफ्ट लिक्विड सब सब हो जाएगा। टेंशन कोई, इतना टेंशन क्यों लेते हो यार, आप खाली कॉन्सेप्ट पे फोकस करो ना। आप ज्यादा, आपको सिंपल रखना है, हर एक सम हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू नो कि कैश बुक और पासबुक में 1 2 3 4 खेलना आना चाहिए। सिंपल सम जैसे सॉल्व करोगे आपको इजी होगा, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में भी था, तो काफ़ी लोगों ने तभी किया रहेगा। कुछ समझा होगा, कुछ नहीं समझा होगा। यस, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, या फाइन। देखते हैं ना, अरे सब सम हम लोग फेयरवेल से तो स्टार्ट किए, काफ़ी सारे करते हैं ना। ओके चलो एक और सम लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग एडजस्टेड कैश बुक। एक थोड़े और एक दो सम कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एडजस्टेड कैश बुक करते हैं बिफोर वी कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है, आज हमारा यही एजेंडा है, तो मैं आपको पहले एक दो सम और भी ले लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप लोग मुझे आंसर दोगे। चलो एक ये सम कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको लिखवा भी नहीं रहा हूँ, आपके सामने आंसर है। ठीक है, ओके चाहिए तो दो प्रैक्टिस कर लेंगे, नो वरीज। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 फॉर न्यू स्टील लिमिटेड। मेरे को वर्किंग नोट बनाना है, मैं वर्किंग नोट चलो यहाँ पे बना देता हूँ। कैश बुक, पासबुक प्लस माइनस माइनस प्लस। फाइन, अरे सब, अगर मैं टेंशन में लूँ, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी कोई डिफिकल्टीज हो तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है चलो स्टार्टिंग पॉइंट आ जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट ये है, रेड कलर। क्या मैंने सही कलर किया है कि नहीं? आवाज आ रही है सबको? क्या यही है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब मैंने जो रेड कलर किया वही स्टार्टिंग पॉइंट है? बोलिए 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 बोलिए। यस, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है। यस, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है ये, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, तो मुझे किसके बारे में सोचना है? कैश बुक के साथ बुरा हो रहा है, तो मुझे किसके बारे में सोचना है? मुझे कैश बुक का ही सोचना है। तो क्या सोचना है? कैश बुक में ज़्यादा है तो प्लस, कैश बुक में कम है तो माइनस। आई थिंक ये सबको क्लियर है। ठीक है, कैश में ज़्यादा है तो प्लस, कैश में कम है। अरे टेंशन मत लो, सब हो जाएगा यार। मैं चाहिए ना तो यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट कर दूंगा, पोल वाला जो हम क्लास में भी करते हैं। मैं ट्राई करूँगा, आई एम नॉट श्योर, आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको नाम डाल के हम पोल गेम्स भी खेल सकते हैं। आई विल ट्राई, आई एम नॉट श्योर कितने सारे लोगों में होगा कि नहीं यूट्यूब पे, बट हम वो भी करेंगे। इफ़ यू वॉन्ट कलेक्ट बी आर एस का टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन लाऊंगा, इतने सारे लोग अपना नाम डालेंगे, लेट्स सी कौन फर्स्ट या सेकेंड आता है। आई विल ट्राई, आई एम नॉट श्योर ना, मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा ट्राई कर सकता हूँ, देखेंगे। तो कैश बुक का ऑर्डर, तो मेरे को बताओ कैश बुक में ज़्यादा है तो प्लस, तो ये वाले सोल्यूशन से प्लस हो गए क्योंकि कैश बुक में ज़्यादा है। ये कैश बुक कम है तो ये माइनस होगा, तो ये वाले ऊपर में जो लिखोगा सब माइनस करूंगा। सर ये वाला तो पासबुक में कम है ना? अरे पासबुक में कम है बट मुझे कैश बुक का सोचना है, तो ये मैं सब जो भी ट्रांजेक्शन सोल्यूशन में उसको मैं ऐड करूंगा। ये पासबुक में ज़्यादा है, पासबुक में ज़्यादा है, कैश बुक में कम है, तो इसको मैं माइनस करूंगा। ये मेरा, मैंने वो भी रेडी कर दिया, बस सोल्यूशन भी रेडी कर दिया, सोल्यूशन भी रेडी कर दिया। ठीक है, तो अभी हमें खाली केबीसी खेलना है। 1 2 3 4 नंबर रिंग दे देता हूँ, आप मुझे बताएंगे 1 2 3 4, दैट्स इट। प्रिया चलो अभी आराम से करते हैं, 1 2 3 4 खेलते हैं। मैंने आपके लिए काफ़ी सारे सम्स लिए हैं, ओवर दी बॉक्स जा रहा हूँ, बट आ जाए। अरे 5 ईयर के पेपर इससे भी ज़्यादा ईजी है अंजलि, इससे भी ज़्यादा ईजी है। आप एक बार ट्राई करो, आप डरो मत। आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपको अंदर से आना चाहिए, मैं ट्राई करूँ, मैं ट्राई करूँ, मैं ट्राई करूँ। जितना आप ट्राई करोगे आप उतना एक्सपर्ट बनोगे। आपको सिंपल करना है, मैं बोल रहा हूँ, स्टडी मटेरियल के सबसम्स कीजिए, 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व कीजिए, अगर आपको टाइम मिलता है तो आरटीपी सॉल्व कीजिए, दैट्स इट। कोई और नॉइजेस सुनने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है चले बताइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपको खेलना है आंसर। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव, बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट कर दिया है। 1 2 3 4 बताइए, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड, बट नो एडवाइस रिसीव्ड। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड, बताइए किधर आएगा? 1 2 3 4, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 278 700 कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4,
278700. यस रिशु, परफेक्ट परफेक्ट. आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, वेटिंग फॉर मोर आंसर्स. इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, तो 1-2 तो आ ही नहीं सकता है. और लिख भाई, लिखा इतना मस्त लिखा डेबिटेड, और क्या चाहिए भाई, इतना लिख के दिया है. तो कहाँ पे 278 चार नंबर कैसे डेबिट. अरे भाई इधर डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है, क्रेडिट होता है. चल लिख दिया बस. इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक लिखा है ना, तो तीन नंबर ही होगा राइट. ठीक है, चार कैसे होगा. नेक्स्ट वाला देखते हैं. चेक इश्यूड, बस मैंने बोल दिया ना इश्यूड तो समझ जाने का. चेक इश्यूड बिफोर दिस बट नॉट प्रेजेंटेड इन टू बैंक. चेक मैंने इश्यू किए 660,000 के बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक. तो चेक इश्यू किए तो अभी बताइए. 1, 2, 3, 4 चेक इश्यूड, चेक इश्यूड बताइए. चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर बैंक. यस यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. और आंसर्स, और आंसर्स, और जितने आंसर्स आएंगे या आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए. परफेक्ट परफेक्ट. तो चेक आपने इश्यू किया है तो आपने कैशबैक से बैलेंस कम कर दिया, बट सामने वाली पार्टी को चेक दे दिया बट वही अब तक बैंक में नहीं लेके गया, तो अब माइनस कैसे होगा. सिंपल, सुपर सुपर. अभी देखते हैं. ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. मेरे को गवर्नमेंट ने एक ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नो एडवांस रिसीव बाय द कंपनी. मुझे एक सब्सिडी मिली है स्टेट गवर्नमेंट से, डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसे आ गए बट मुझे अब तक नहीं मालूम है. मुझे नहीं मालूम है मतलब मैंने कैशबुक में एंट्री नहीं की होगी, बिकॉज कैशबुक तो मेरे ड्रॉर में पड़ी रहती है ऑफिस में. तो मुझे बताइए 14,25,000 की एंट्री काफ़ी हुई रहेगी. ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नो एडवाइस टू द कंपनी. तो मुझे कंपनी नहीं. 1, 2, 3, 4 यस. अच्छा काफ़ी लोग आंसर्स दे रहे हैं. ग्रेट 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 ग्रेट, सुपर. काफ़ी हुई रहेगी एंट्री 14,25,000 की यहाँ पे हुई रहेगी. ग्रेट, बिकॉज मेरे पास में बैलेंस बढ़ गया बट मुझे नहीं मालूम है. तो मेरे को नहीं मालूम तो मैंने नहीं की होगी. सुपर सुपर ग्रेट ग्रेट. ओके नेक्स्ट. ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन टू द बैंक. अरे बैंक में हम क्या डिपॉजिट करेंगे, ड्राफ्ट या चेक. डिपॉजिट किया होगा तो आपको किसी ने ड्राफ्ट दिया होगा. आपने बैंक में जाके डिपॉजिट किया बट नॉट क्रिएटेड, क्या हुआ रहेगा. ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन टू बैंक. चलो मैं ड्राफ्ट के लिए चेक वर्ड यूज कर रहा था. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर. मुझे बताया कहाँ पे एंट्री रहेगी. 1, 2, 3, 4 ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक. बस ये सब वर्ड जो लोग यूज करते हैं. यस हुसैन, परफेक्ट. आई थिंक हुसैन ने आंसर दिया, सलोनी ने आंसर दिया है. रिशु बताइए, करेक्ट कीजिए. ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन टू बैंक. यस वन ना, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन टू बैंक या चेक डिपॉजिटेड बैंक. 13,50,000 आपको चेक मिल गया है, आपने कैशबुक बैलेंस दिया बट पासबुक में अब तक वो क्रेडिट नहीं हुआ. वो लोग लिख भी तो रहे हैं बट नॉट क्रेडिटेड टिल, नॉट क्रेडिटेड पासबुक में तक क्रेडिट नहीं हुआ है. ठीक है, क्या ये सबको समझा. ये वन नंबर ड्राफ्ट, ड्राफ्ट या चेक एक ही चीज है राइट. फाइन परफेक्ट. चलो नेक्स्ट. बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक. लिख दिया यार, लिख दिया है, सोचने की भी जरूरत नहीं. क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी. लिखा ही है क्रेडिटेड बाय द बैंक. तो क्रेडिटेड बाय द बैंक मतलब मैं पासबुक में जाके, क्रेडिटेड बाय द बैंक मतलब पासबुक में ही जाके लिखूंगा ना, क्योंकि पासबुक ही बैंक ही पासबुक बनाती है. क्रेडिटेड बाय बैंक तो कौन से नंबर पर लिखूँ, चार नंबर. ये तो यार पूछने की भी जरूरत नहीं है. काफ़ी सारी चीज़ें रोके तो हम ऑब्वियसली दे देते हैं. क्रेडिटेड बाय द बैंक राइट. ठीक है, हाँ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब पासबुक में क्रेडिट हो गया राइट. चार नंबर यस. चलो ये बताइए. अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक. रॉन्गली हुआ है, सही हुआ है, गलत वो नहीं. जो हुआ है वो मुझे लिखना है वर्किंग नोट में. जो हुआ है वो मुझे लिखना है. रॉन्ग है राइट है उससे फर्क नहीं पड़ता है. तो रॉन्गली डेबिटेड टू द कंपनी अकाउंट बाय द बैंक विच फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल. क्या कर दिया बैंक ने, वापस मैं रीड करता हूँ. अमाउंट wrongly debited to company account by the bank. Amount wrongly debited to the company account by the bank. मतलब बैंक ने डेबिट कर दिया. कितना अमाउंट डेबिट कर दिया है, 7,40,000 लिख दिया है. तो 7,40,000 आप यहाँ पे लिख दीजिए. अभी रॉन्ग हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है. जो हुआ है वो आपको लिख देना है. सर रॉन्गली हुआ है, टेंशन मत लो. जो बोला है, जो लिखा है इंग्लिश में, उसको मैं वर्किंग नोट में कन्वर्ट करूँगा.
परफेक्ट, यस नंबर थ्री। तो रॉन्गली वॉन्गली आ गया तो डर मत जाना, जो क्वेश्चन में दिया है वो आपको लिखना है, सिंपल। एंड ये आपका आंसर भी हो गया, ये आप प्लस करोगे या आप माइनस करोगे, ये दोनों आप प्लस करोगे और ये आप माइनस करोगे, दोनों खत्म, सिंपल। आई होप मैंने आपको, जिसको नहीं आता था उनके लिए मैंने ज़्यादा क्लियर कर दिया है। क्रेडिट होता तो क्रेडिट में लिखते विजय, जैसे लिखा है वैसे लिखूंगा। आई होप जिसको नहीं आता था उनके लिए काम इजी कर दिया, जिनको आता था वेरी गुड, कंटिन्यू कीजिए, जिनको अपनी मेथड से आता था कंटिन्यू कीजिए, बट जिनको नहीं आता था क्या उनके लिए थोड़ा सा इजी हो गया कि नहीं? अभी उनके लिए थोड़ा इजी से हो गया, एंड अभी तो बस ये आंसर हमें स्टार्ट करना है और आंसर आ जाएगा, मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। क्या ये सबको क्लियर है? मैंने इजी वे में बता दिया है, मेरे को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जा रहा हूँ, मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि क्यू प्लस क्यू माइनस, आपको एग्जाम में मार्क्स चाहिए ना, ये हो गया। क्या लिखा है लास्ट में? अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू दी कंपनी अकाउंट बाय बैंक, डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट, बैंक ने डेबिट कर दिया ना, तो लिखा ही है यार, मैं सोच भी क्यों रहा हूँ, बैंक ने डेबिट कर दिया तो लिख दिया। या थैंक्स महेश, बस आई थिंक जिसको जैसे आता है, मैं कुछ अपना नहीं बोलूँगा, अगर आपने किसी से सीख लिया और अगर आपको वो आ रहा है तो परफेक्ट है, बिकॉज देखो सबको, सब लोग अच्छा सिखाते हैं, इट्स योर चॉइस, आप किसका अच्छे से ले लेते हो और आपको क्या समझता है, मेरी मेथड अलग हो किसकी मेथड अलग हो, ठीक है। एंड बस आपका आंसर हो गया, मैंने सिर्फ आपको दो ही चीज़ बताई, आपको हर एक समय 1 2 3 4 खेलना है, 1 2 3 4 स्टार्टिंग पॉइंट, सिंपल। क्लियर एवरीवन? चलो एक और सम कर लेते हैं, चलो करते करते, क्या हो गया, उसमें कंजूसी नहीं करनी है, ज़्यादा कर सकते तो ज़्यादा करेंगे। इसके ब्रेक के बाद हम लोग एडजस्टेड कैश बुक करेंगे, डोंट वरी, ब्रेक के बाद हम लोग एडजस्टेड कैश बुक वाले सम्स ही लेंगे, फाइन, ब्रेक के बाद, बट पहले हम लोग और सम्स थोड़े ले लेते हैं। एक और सम ले लेता हूँ आपके स्टडी मटेरियल से, स्टडी मटेरियल से इसके लिए ले रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता था उनके लिए इजी करना है, वही तो है मेन, एंड लेट्स फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट, आपके लिए वही इजी करना है, ठीक है। और अगर आज अगर VRS नहीं भी होता तो कल भी जाएगा तो चलेगा, इट्स ऑन यू, मेरे को, मुझे मालूम है एडजस्टेड कैश बुक भी आपके लिए इजी करना है, दैट्स वाई मैं सीधे लेक्चर पे ही फोकस ज़्यादा करूँ अभी। चलो यहाँ पे भी मैं बना लेता हूँ कैश बुक, यहाँ भी मैं बना लेता हूँ पासबुक, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये कर लिया आपने, ये आपका ओरिजिनल हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी, पहले हम शुरुआत कर लेते हैं, द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वॉज बैलेंस ऑन दिस, इट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 5000, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, सिंपल ना, जो लिखा है वही लिखा है, इंग्लिश में लिखा है उसको मैंने खाली फिगर में ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट, सुपर, यस यस रिशु, तो अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है मतलब कैश बुक का बुरा हो रहा है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है मतलब कैश बुक का बुरा हो रहा है, तो किसके बारे में सोचेंगे, यस कैश बुक में ज़्यादा है तो प्लस, कैश बुक में कम है तो माइनस, बस ये भी आपका गुरु मंत्र हो गया, तो कैश बुक में ज़्यादा है तो सम में भी ये प्लस ये माइनस, कैश बुक में ज़्यादा है तो प्लस, कैश बुक में कम है तो माइनस, तो पासबुक में क्या, पासबुक में जो कम है वो कैशबुक में ज़्यादा है, और जो पासबुक में ज़्यादा है वो कैशबुक में कम है, ये आपका ओरिजिनल आंसर वाला ये आ गया, ये ओरिजिनल आंसर में आपका प्लस माइनस आ गया, ओरिजिनल आंसर वाला, ठीक है, ओरिजिनल आंसर वाला आपका हो गया। अब हम सम करेंगे एंड आप मुझे बताएंगे 1 2 3 या 4, 1 2 3 4, लेट्स स्टार्ट। चेक इश्यूड, समझ गए हो गया अभी, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब ये तारीख तक अब तक चेक क्लियर नहीं हुआ है, बताइए 1 2, अच्छा 2, काफ़ी लोगों ने आंसर्स भी दे दिए, नाइस, यस, तो आंसर दे दिए हैं, तो परफेक्ट आंसर दे दिए 2, 2 नंबर, मैंने ऐसे नंबरिंग दिया 1 2 3 4, दैट्स 2, ठीक है, परफेक्ट, नाइस, ओके, 2 क्लियर है, परफेक्ट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, अब ये भी समझ गए होंगे, चेक डिपॉजिट करने से पहले क्या हुआ रहेगा, चेक अगर आपको मिला होगा, चेक मिला होगा, फिर डिपॉजिट करने के बीच में क्या हुआ रहेगा, चेक मिला, ड्रॉ से कैशबुक निकाली और कैशबुक हमने एंट्री कर दी होगी 20 लाख की, बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब बैंक में अब तक वो पैसा आया नहीं है, चेक अब तक क्लियर हुआ नहीं है,
ठीक है, आई होप ये भी क्लियर है, काफी टाइम हमने रिपीट हो चुका है, ये काफी टाइम हमने रिपीट कर लिया है। ग्रेट, ये वाला इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डेबिटेड बाय द बैंक, अरे लिखा है यार डेबिटेड बाय द बैंक, अभी पूछना ही मत, डेबिटेड बाय बैंक मतलब ये बैंक ने डेबिट कर दिया है, लिखा है तो अभी ज्यादा सोचना क्यों है, डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट अकाउंटेड इन मुकेश बुक, मतलब मुकेश की बुक मतलब कैश बुक, कैश बुक मुकेश की बुक है क्योंकि वो ट्रेडर बनाता है। यस 3-3, परफेक्ट परफेक्ट महेश, सुपर, अच्छे से आंसर दे दो, नाइस 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 नाइस। या बैंक चार्जेस, अभी बैंक जो चार्ज करती है मतलब मेरे हिसाब मेरे अकाउंट से तो पैसे निकालती है, राइट, बैंक चार्जेस वॉज डेबिटेड बाय बैंक लिखा भी है, तो वो तो यहाँ ये भी क्वाइट सेल्फ ऑब्वियस है कि वो एंट्री यहाँ पे हुई है, बट अकाउंट्स इन द बुक्स, बट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ महेश ऑन, महेश ने भी रिकॉर्ड कर लिया है, बट महेश ने रिकॉर्ड कभी कर लिया है ये डेट के बाद, तो हम जो दिन पे BRS कर रहे तब तक तो BRS नहीं हुआ है ना, 31 मार्च की पोजिशन क्या है वो भी, तो थोड़ा डेट पे भी बात कर लेता हूँ, 31 मार्च को हम BRS बना रहे हैं, तो बाद में लिखा है तो 31 मार्च को तो रिकनसाइल नहीं हुआ था, तो 31 मार्च के टाइम पे तो रिकनसिलेशन नहीं हुआ था। एंड अमाउंट ऑफ 30,68,000 रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ रमेश चेक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ मुकेश बाय द बैंक, भाई जो भी है बैंक ने जो हुआ है वो करना है, गलत है कि सही, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। एन अमाउंट ऑफ 30,68,000 रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ रमेश चेक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ मुकेश, मतलब कोई रमेश रमेश का चेक आया था बैंक के पास, तो बैंक को रमेश के अकाउंट में डालना चाहिए था, बट उसने गलती से मेरे अकाउंट में डाल दिया, तो क्या कहते हैं वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड ना, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्या हुआ है बैंक ने क्या किया है मेरे अकाउंट में, सही है गलत है मेरे को फर्क पड़ता नहीं है, बैंक ने मेरे अकाउंट में क्या कर दिया है, नंबर 4, ओहो सुपर, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया, गलत सही से आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए, एंड दैट्स इट, दिस इज योर BRS खत्म। बस अभी आपको 5,000 में ये प्लस ये माइनस ये दोनों प्लस और इसको माइनस करना है, दैट्स इट, क्लियर है, ऑलमोस्ट 5 या 6 सम हमने कर लिया अभी। ऑफ कोर्स आप एग्जाम में स्टेटमेंट वेटमेंट तो बना दोगे, मैं मुझे मालूम है कि वो सब सीली चीज़ों पे मुझे नहीं बताना है, वो सब चीज़ें सबको मालूम है कि इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन ही लिखना होता है, और इसमें मैंने बताया था कि ओवरड्राफ्ट पर कैशबुक है तो पासबुक ही आंसर आएगा, कैशबुक से पासबुक ही आएगा, कैशबुक से पासबुक आएगा, बट ये नेगेटिव आया है तो फेवरेबल हो गया, ये भी हमने बात कर ली है। क्लियर एवरीवन, फटाफट चैट पे बता दीजिए, यस 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 यस, बिफोर वी गो टू अ स्मॉल ब्रेक एंड वी विल डू एडजस्टेड कैशबुक वाला पार्ट, फटाफट मुझे बताइए यस और नो, फटाफट फटाफट, आपकी यस के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। चलो वेटिंग फॉर द यस, यस अभी ब्रेक ही दे रहा हूँ, फिर ब्रेक के बाद हम लोग एडजस्टेड कैश बुक करेंगे, ब्रेक मतलब यार मैक्सिमम 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है, चाहिए तो थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा, मुझे मालूम है कि आपका डिनर टाइम एंड एवरीथिंग विल कम, बट दैट्स फेयर इनफ, आई होप ये सबका भी क्लियर है, क्योंकि अभी आई थिंक आपके अकाउंट्स के लेक्चर बैक टू बैक अकाउंट्स के लेक्चर्स है, तो हम धीरे 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 जाएंगे, अगर आपको कुछ पूछना है तो आपको मे बी वो हेल्पलाइन नंबर या कुछ दिया जाएगा या कुछ होगा, आई एम नॉट श्योर कैसे है, तो आप मुझे डाल सकते हो पूछ सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है, क्लियर है, तो हम काम करते हैं 9:05 को मिलते हैं, 9:05 को एंड वी आर स्टार्टिंग देन एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक ये चैप्टर का एक और पार्ट है, वो और थोड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, एंड देन एडजस्टेड कैश बुक करने के बाद हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन होगा, थोड़ा सा अगर रह जाएगा तो कल भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है सर, सारे चैप्टर ऐसे, हाँ मैं ऐसे ही करवाऊंगा, मैक्सिमम चीज़ें मॉड्यूल से ही लूँगा, मैं आपको हर एक चैप्टर के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी टिक मार्क करवा दूंगा, जो मुझे लगता है यूनिक क्वेश्चंस है तो आप करोगे, हाँ बिल्ड डिसऑनर भी आएगा, डोंट वरी, बिल्ड डिसऑनर वाला भी देख लेंगे रिया, डोंट वरी, ठीक है फाइन, बिल्डर्स और आपको जो भी चाहिए क्वेश्चन हम ले लेंगे, फाइन, सो गाइस जस्ट हम लोग 10 मिनट्स में मिलते हैं, 9:05 तक मिलते हैं, 9:05 को, या 10 मिनट्स, ग्रेट, 10 मिनट्स में मिलते हैं, या
ओके गाइस, सो बैक, थोड़े लोग वापस आई थिंक रिजॉइन करेंगे जस्ट टू मिनट्स. एडजस्टेड कैशबुक के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे अब हम. एवरीवन जस्ट स्टार्ट, 100 पार्टिसिपेंट्स थे आई थिंक, अभी वापस आ जाएंगे ब्रेक के बाद. ओके सो गाइस, सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? वी आर ब्रेक, वी आर बैक. सो लास्ट वन एंड हाफ आवर, मे बी वन आवर टू वन एंड हाफ आवर. यस, सबको आवाज़ आ रही क्लियर है? बिफोर वी स्टार्ट एडजस्टेड कैश बुक, एक बार चैट में बता दीजिए यस यस यस, इज एवरीवन एबल टू हियर मी क्लियरली? सबको क्लियर है आवाज? अभी एडजस्टेड कैशबुक क्या है भाई? अभी ये चैप्टर तो ठीक है, थोड़े और भी मैं ट्रांजेक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा. एडजस्टेड कैशबुक कब बनाते हैं? देखो, एडजस्टेड कैशबुक हम सिर्फ दो ही केस में बनाते हैं, ठीक है? तो पहला तो ये है कि आपको जब भी BRS एज ऑन ईयर एंड दिया है, एज ऑन ईयर एंड अगर आपको दिया रहा है, बनाना है BRS एज ऑन 31st मार्च, बिकॉज 31st मार्च, तो एडजस्टेड कैशबुक कभी बनानी है. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है, पहले मैं वो बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आपको एडजस्टेड कैशबुक कभी बनानी है. तो BRS एज ऑन ईयर एंड होना चाहिए, फाइनेंशियल एंड, एंड आपको बैलेंस एज पर कैशबुक शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट. बैलेंस एज पर कैशबुक शुड बी स्टार्टिंग पॉइंट. ये दोनों केस में आपको BRS बनानी है. थर्ड, इफ required in question, if required in question, ये तीन ही चीज में आपको एडजस्टेड कैशबुक बनानी है. तो क्या है, 31st दिसंबर डिपेंड करता है. देखो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर अगर CA का एग्जाम दे रहे हो तो 31st मार्च ही होता है, बट बोर्ड ने बोला फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर लिखा है. अदरवाइज अगर आपको ये पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको एग्जाम में BRS में एडजस्टेड कैशबुक बनाना होगा. तो पहली दो कंडीशन क्या है, BRS एज ऑन ईयर एंड होना चाहिए, तो मे बी एज ऑन 31st मार्च, एंड बैलेंस एज पर कैशबुक योर स्टार्टिंग पॉइंट. बैलेंस एज पर कैशबुक, एनी बैलेंस बट बैलेंस एज पर कैशबुक शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट. और कभी बनाना होगा, अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि एडजस्टेड कैशबुक बनाओ तो एडजस्टेड कैशबुक बनाओ, ठीक है? पहले ये समझते रहो, कभी कभी बनाते, ठीक है? तो एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए बिफोर एवरीवन स्टार्ट जॉइनिंग इन. एडजस्टेड कैशबुक कभी बनानी है. सो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों एंड है, एंड है मतलब दोनों चीज़ होनी चाहिए. तो ईयर एंड वाला दिया है, ईयर एंड BRS आपको बनाना है ईयर एंड में, एंड बैलेंस एज पर कैशबुक इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है? और अगर दूसरा चीज़ अगर क्वेश्चन में बोला है तो बनाओ. बट होता क्या है यार, ये एडजस्टेड कैशबुक होता क्या है? तो लेट्स सी. तो इसमें आपको क्या करना है, सम सॉल्व करने से पहले कैशबुक में थोड़ी एंट्रीज कर लेनी है. कौन सी एंट्रीज करनी है बता रहा हूँ. आपको कैशबुक को थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, नाम में बोला है एडजस्टेड कैशबुक. सो आपको एडजस्टेड कैशबुक में क्या क्या रिकॉर्ड करना है, सुनिए. एडजस्टेड कैशबुक में क्या क्या रिकॉर्ड होगा, ओके? सो बेसिकली आपको ये रिकॉर्ड करना होगा जो आपने ओमिशन किया है. मैं सिंपल बता रहा हूँ, ओमिशन मतलब बेसिकली जो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है बट कैशबुक में भूल गए तो उसको रिकॉर्ड कर दो कैशबुक में, उसको रिकंसील करने की जरूरत नहीं है. बता रहा हूँ वापस, जो चीज़ पासबुक में रिकॉर्ड हो गई है बट कैशबुक में रिकॉर्ड करना भूल गए हो तो एडजस्टेड कैशबुक के अंदर डाल दो. थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. समझो ये आपकी कैशबुक है, ये आपकी पासबुक है, ठीक है? प्लस माइनस माइनस प्लस, शांति से ध्यान रखना. पहले समझते लो एडजस्टेड कैशबुक में क्या क्या आएगा. ओमिशन, ओमिशन मतलब यार सबको मालूम, ओमिशन मतलब भूल जाना. तो ऐसी कोई चीज़ जो पासबुक में आ चुकी है बट कैशबुक में भूल गए हो तो रिकॉर्ड कर दो ना. मैं
मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे बताइए पासबुक में कहाँ पे रिकॉर्ड होगी। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक 100 रुपया, कहाँ पे एंट्री करेगी? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू अ बैंक, तो पासबुक में एंट्री कहाँ पे हुई होगी? डायरेक्ट डिपॉजिट, मैं लिखता हूँ डायरेक्ट डिपॉजिट और ₹100 बाय कस्टमर इनटू बैंक, ये एंट्री कहाँ पे हुई रहेगी मुझे बताइए, कहाँ पे एंट्री हुई रहेगी? 1, 2, 3, 4 डायरेक्ट मेरे कस्टमर ने मेरे बैंक में डायरेक्टली पैसे डाल दिए। यस हुसैन, परफेक्ट। तो यहाँ पे एंट्री हुई रहेगी, तो इसको BRS में मत खींचो, इसको BRS तक जाने ही मत दो, तो ये ओमिशन है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कैशबुक में भी उसको रिकॉर्ड कर दो, कहाँ पे? प्लस में रिकॉर्ड कर दो, खत्म, एडजस्ट कर लिया, इसको बोलते हैं एडजस्ट। एक एग्जांपल दे दिया, जो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है और कैशबुक में नहीं हुआ है, जो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है बट कैशबुक में नहीं हुआ है, तो उसको कर दो। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ₹10 बट नॉट रिकॉर्ड इन कैशबुक। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ₹10, बताइए 1, 2, 3, 4 कहाँ पे हुई रहेगी पासबुक एंट्री? इसमें कॉन्ट्रा एंट्री वॉन्ट्रा एंट्री जैसा कुछ नहीं है महेश, नथिंग लाइक कॉन्ट्रा एंट्री, ये मैंने एडजस्ट कर दिया है, एडजस्ट कर दिया। कॉन्ट्रा एंट्री तो कैशबुक के अंदर अंदर होती है, जो पासबुक में प्लस हुआ है तो कैशबुक में प्लस करके उसको रिकंसाइल कर दो, खत्म खत्म। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो कहाँ पे हुई रहेगी पासबुक में एंट्री? यहाँ पे हुई रहेगी ना एंट्री, तो ये पासबुक माइनस हो गया बट कैशबुक माइनस नहीं हुआ है, तो क्या कर दो? कैशबुक माइनस करके एडजस्ट कर दो, खत्म कर दो, रिकंसाइल हो गया। इसको रिकंसिलेशन तक लेके ही नहीं जाना है, यहाँ पे ही एडजस्ट कर दो, इसलिए तो बोलते हैं एडजस्टेड कैशबुक। जो कैशबुक जो पासबुक में प्लस हुआ है उसको कैशबुक में भी प्लस करके खत्म कर दो, और जो पासबुक में माइनस हुआ है उसको कैशबुक में भी माइनस करके खत्म कर दो, इसी को तो बोलते हैं एडजस्टेड कैशबुक। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो चीज़ पासबुक में हुई है और कैशबुक में नहीं हुई है, दैट्स वाई रोट द वर्ड ओमिशन, जो चीज़ कैशबुक में हुई है बट पासबुक में नहीं हुई है, तो पासबुक में तो कैशबुक में कर दो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इंटरेस्ट कलेक्टेड कलेक्टेड बाय बैंक ₹5, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने मेरे बिहाफ में इंटरेस्ट कलेक्ट किया, इंटरेस्ट कलेक्टेड या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक जो भी है, तो कहाँ पे एंट्री हो रहेगी पासबुक में? कहाँ पे एंट्री हुई होगी? इंटरेस्ट कलेक्टेड, चार्ज नहीं है, कलेक्टेड, थोड़ा वर्ड यूज कराओ, बैंक ने मेरे बिहाफ में इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो 1, 2, 3, 4 इंटरेस्ट कलेक्टेड या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। यस ऋतिका हुसैन, यस यहाँ पे एंट्री हुई है बट पासबुक में नहीं हुई है, पासबुक में हो गई है बट सर कैशबुक में नहीं हुई है, और एडजस्टेड कैशबुक बोला, तो क्या रिकंसिलेशन में करेंगे? नहीं, तो वहाँ पे अगर प्लस हुआ तो यहाँ पे प्लस करके उसको खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, रिकंसाइल यहाँ पे कर लेंगे। क्या ये वाली चीज़ आपको समझी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बताइए चैट में। यस, एकदम सिंपल तरीके से बताना है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं करने। जो चीज़ पासबुक में हुई है और कैशबुक में नहीं हुई है तो एडजस्टेड कैशबुक में डाल दो, जो चीज़ पासबुक में हुई है बट कैशबुक में नहीं हुई है उसको एडजस्टेड कैशबुक में डाल दो, जो चीज़ पासबुक में हुई है बट कैशबुक में नहीं हुई है उसको खत्म कर दो, वहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस। क्लियर है? फटाफट चैट पे यस चाहिए मुझे, फटाफट चैट पे यस चाहिए। जो भी ओमिशंस है करो 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 करो, फटाफट बताइए। अभी मैं आपके साथ एक गेम खेलने वाला हूँ, यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट डालने वाला हूँ। यस, यहाँ पे कैश अगर पासबुक में प्लस हुआ है तो जैसे कैशबुक में भी प्लस साइड, अगर वहां पे माइनस हुआ तो माइनस करके उसको खत्म कर दो। यस, परफेक्ट। मैंने बताया ना तनिष, यहाँ पे लिखा ना एडजस्टेड कैशबुक कभी बनानी है, अगर ईयर एंड वाला सम है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट एज पर कैशबुक दिया है। ओके, चलो ये बता रहा हूँ, मजा आएगा। बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड ₹100 टू आर अकाउंट, बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट में ₹100 क्रेडिट कर दिया है, कहाँ पे हुई रहेगी एंट्री? 100 नहीं करते, थोड़ा चेंज कर लेते फिगर, 500 कर लेते, कहाँ पे एंट्री हो रहेगी? बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड ₹500 टू आवर अकाउंट, तो ये कहाँ पे हुई होगी? बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट में, यस यस महेश, सुपर 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 ग्रेट। तो क्या इसको हम एडजस्टेड कैशबुक में डालेंगे? सिंपल पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ पे प्लस, मैंने क्या बताया,
जो पासबुक में प्लस हुआ है उसको कैश बुक में प्लस कर दो, खत्म कर दो। जो पासबुक में माइनस हुआ है उसको कैश बुक में माइनस कर दो। बट क्या इसको मैं एडजस्टेड कैश बुक में डालूंगा या नहीं डालूंगा, येस और नो, आई वॉन्ट चैट में आंसर। क्या इसको हम एडजस्टेड कैश बुक में डालेंगे, हाँ या ना, बताइए। क्या इसको हम लोग एडजस्टेड कैश बुक में डालेंगे, हाँ या ना, येस और नो, बताइए। ओके, हुसैन सेज नो, नो, परफेक्ट। रिया हैज गिवन द परफेक्ट आंसर, यस यस, परफेक्ट। तो ये चीज हम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं डालेंगे। तो मैंने आपको एक कंक्लूजन बता दो, जो पासबुक में प्लस हुआ है उसको प्लस कर दीजिए, जो पासबुक में माइनस हुआ उसको माइनस कर दीजिए। पर अगर बैंक ने कोई गलती की है, अगर बैंक ने कोई गलती की है, प्लस में कुछ लिख दिया माइनस, तो उसको एडजस्टेड कैश बुक में मत लिखिए। बैंक की गलती को रिकॉर्ड मत करें, बैंक की ओमिशंस को रिकॉर्ड, बैंक हमने जो ओमिशंस किए हैं, पासबुक में प्लस हो गया तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, पासबुक में माइनस हुआ है तो माइनस कर दिया। बैंक ने गलती से कुछ प्लस या माइनस कर दिया, गलती से कुछ प्लस या माइनस कर दिया तो उसको प्लस या माइनस मत कीजिए। क्या ये क्लियर है? तो ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, इसको हम रिकंसिलेशन में डालेंगे। इसको मैं लिख रहा हूँ आर, और ये तीनों चीज एडजस्टेड कैश बुक में आ गए। क्या ये आपको समझा? क्लियर 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 के लिए बताइए, यस क्लियर, यस क्लियर लिखिए चैट पे, यस क्लियर लिखिए, फटाफट बताइए बिफोर वी स्टार्ट एडजस्टेड कैश बुक के सम्स। बताइए फटाफट, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, चलो बताइए। क्लियर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट 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 ग्रेट। तो एडजस्टेड कैश बुक मैंने आपको समझा दिया, जो भी हमारे ओमिशंस है, हमारे ओमिशंस है, हमारे मतलब कैश बुक के जो ओमिशंस है, जो हम कैश बुक में लिखना भूल गए और बैंक उसको कर दिया, बट बैंक की मिस्टेक करो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओमिशन, बट सेकेंड डोंट रिकॉर्ड बैंक मिस्टेक्स। बस आपके लेवल के लिए आपको ईजीली समझाऊंगा, जैसे मेरे को समझ रहा है आपको समझ जाएगा वैसे समझा दिया, और ऐसे बनती है एडजस्टेड कैश बुक। क्लियर? तो मैं एडजस्टेड कैश बुक अभी हम स्टार्ट करते हैं, एक दो समय एडजस्टेड कैश बुक के भी करते हैं। सो एंड देन अगर आपको चाहिए तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए सम्स, और भी स्टडी मटेरियल के ऊपर नीचे के सम्स कीजिए, देन प्रैक्टिस कीजिए फटाफट, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा होता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन दैट्स इट, हो जाएगा फाइन। तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, आई होप अगर आपको ये समझ गया है फाइन। किसी को लिखना है तो आई एम गिविंग 2 मिनट्स, लिखना है तो लिख दीजिए। तब तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बाकी सब लोग जब तक लिख रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है तो चैट पे पूछ सकते हो। लिख दीजिए, फाइनल अकाउंट में बहुत प्रॉब्लम आते हैं स्टडी। मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, जितने भी लोग यहाँ पे चैट पे सुन रहे हो, सुनिए, स्टडी मटेरियल के सम्स करिए, स्टडी मटेरियल के सम्स में कुछ नहीं है, आराम से प्रैक्टिस कीजिए। आई नो टाइम का भी थोड़ा सा शॉर्टेज आ रहा है, एग्ज़ाम आ रही है नेक्स्ट मंथ, बट गाइस आपको स्टडी मटेरियल करना ही पड़ेगा टू गेट गुड मार्क्स। ओवरकास्ट अंडरकास्ट भी देखेंगे, डोंट वरी, मैं अंडरकास्ट ओवरकास्ट भी बता दूंगा आपके लिए एट द एंड। सब एडजस्टेड कैश के बाद मैं अंडरकास्ट ओवरकास्ट के ऊपर एग्जांपल्स दूंगा, आपका अंडरकास्ट ओवरकास्ट भी हो जाएगा, ठीक है? सो एवरीथिंग इज देयर इन द प्लेस, बट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? अंडरकास्ट ओवरकास्ट भी आ जाएगा, सुपर। चलो लास्ट में जहाँ पे भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट सब देख लेंगे, ठीक है? परफेक्ट। चलो एक पहले सम देख लेंगे, अंडरकास्ट ओवरकास्ट भी आपका आ ही जाएगा। ये वाला एक सम है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको लास्ट में आप देखोगे तो बोला है टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन कैश बुक ऑफ एक्स टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस एंड टू प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन दैट डेट। ओके, तो लिखा है टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ एक्स टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन दिस। तो यहाँ पे आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाने को बोला है,
ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक। तो हम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक के लिए पहले यहाँ पे हम लोग कैश बुक और पासबुक बना ही लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारा वर्किंग नोट है वैसे कर ही लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके, ये मैंने कर लिया, सेम तरीके से करेंगे, ओके। अभी सुनिए, द बैंक बैलेंस ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक बनानी है ना, तो हम लोग को फिगर्स लिखने पड़ेंगे। तो मुझे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है 4062 का, क्लियर है, परफेक्ट। द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक का बैंक कॉलम की हम बात करें, कैश बुक में बहुत सारे कॉलम होते हैं, कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है, डिस्काउंट कॉलम भी होता है, हम ये कैश बुक के हमेशा बैंक कॉलम की ही बात करते हैं BRS में, वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। तो ये हमारा है यहाँ पे, ठीक है। पहले हम लोग एडजस्टेड कैश बुक पे फोकस करेंगे, मेरा फोकस है एडजस्टेड कैश बुक पे, ठीक है। तो चलिए बताइए ये एंट्री कहाँ पे हुई है और हम लोग करेंगे, ओके। मैंने क्या बताया, एडजस्टेड कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, जो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है और हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, जो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है और हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, याद रखना, जो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है और हम रिकॉर्ड करना भूल गए, वही चीज़ एडजस्टेड कैश बुक में होगी। तो मैं इसलिए इसका हेडिंग दे रहा हूँ एडजस्टेड कैश बुक, ओके, ग्रेट। तो प्लीज़ ध्यान देना, क्या होगा रिकॉर्ड एडजस्टेड कैश बुक में, जो बैंक में हुआ है बट हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, बट बैंक में मिस्टेक से कुछ रिकॉर्ड हुआ है उसको हम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं डालेंगे, दैट्स इट, जो मैंने ये बताया उसको सुनिए, हो जाएगा। अ चेक ऑफ ₹13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन दिस वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन दिस। तो ये तो सिंपल है, ये हमने चेक डिपॉजिट किया होगा, तो किसी ने मुझे चेक दिया होगा, मैंने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया होगा बट बैंक में क्लियर नहीं हुआ है, क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, क्या ये बैंक में रिकॉर्ड और हमारा कुछ ओमिशन हुआ है, क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, हाँ या ना बताइए, क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, आप ही बताइए, क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में एंट्री नंबर वन रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, बताइए। मैंने वापस बोल रहा हूँ, एडजस्टेड कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, जो बैंक में हो गया है बट हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, ये तो मुझे चेक वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 3rd October, हम BRS का भी बना रहे हैं, क्या ये एडजस्टेड रिकंसिलर, क्या एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, नहीं होगा ना, तो ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगा, रिकंसिलेशन में जाएगा। अरे भाई हमें चेक मिला है तो हम कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देंगे, बट बैंक में अब तक बढ़ा नहीं है क्योंकि बैंक में अब तक क्लियर ही नहीं हुआ है, तो एडजस्टेड कैश बुक में थोड़ी ना आएगा, मैंने अभी तो बताया एडजस्टेड कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, जो बैंक में हो गया है और कैश बुक में नहीं हुआ है, ये तो कैश बुक में हो गया है, थोड़ी मिस्टेक है हमारी, ये तो हमने आराम से किया है, ये BRS में जाएगा, तो इसको हम लोग अभी इग्नोर करते हैं, ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, ठीक है, ये रिकंसिलेशन के टाइम देखेंगे, ओके फाइन, सबको क्लियर है ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, फटाफट येस और नो बताइए, एवरी, अच्छा काफी लोगों ने नो लिख ही दिया है, ग्रेट। अ पेमेंट बाय चेक ऑफ 16,000 वॉस हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अभी एक और चीज, अगर हमारी कोई गलती हुई है ना एडजस्टेड कैश बुक में एक और चीज आएगी, देखो क्या है, पेमेंट ऑफ चेक हमने दो बार यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है, 16,000 हमने यहाँ पे दो बार रिकॉर्ड कर लिया है, ओके, हैज बीन रिकॉर्डेड अ पेमेंट फॉर चेक ऑफ 60,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। तो एडजस्टेड कैश बुक में एक और चीज रिकॉर्ड करते हैं, अगर हमने कोई गलती कर दी ना उसको भी रेक्टिफाई कर दो, तो अगर यहाँ पे अगर हमने दो बार लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर दो बार लिख दिया तो इसको इसका एरर कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग एरर कैसे निकालेंगे, ऑफकोर्स यहाँ पे लिख के निकाल देंगे ना एरर को, समझा मैंने क्या किया, मैं वापस बता रहा हूँ, एडजस्टेड कैश बुक में दो चीज़ आएगी, वापस मैं रिपीट कर जो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है और हम रिकॉर्ड करना भूल गए, बट अगर हमने कोई मिस्टेक की है तो उसको भी एडजस्टेड कैश बुक में सॉल्व कर दो, हमने दो बार यहाँ पे 16,000 लिख दिया था, ठीक है, एक बार सही था और एक बार गलत था, तो जो सही था गलत, एक सही था एक गलत था, तो गलत वाले को निकालने के लिए हम इसको इरेज तो नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्रेडिट में हुआ उसके लिए डेबिट में अमाउंट डालना पड़ेगा, जो डेबिट है उसके लिए क्रेडिट में अमाउंट डालना पड़ेगा, तो रिकंसाइल हो जाएगा ना, तो समझाइए मैंने क्या बताया आपको, तो ये 60,000 की एंट्री यहाँ पे करके वो एडजस्टेड कैश बुक सॉल्व हो गया, फाइन, वापस मैं समझा रहा हूँ, अ पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, तो आपने दो बार पेमेंट साइड में लिख दिया, एक सही है एक गलत है, तो ऑफकोर्स एक बार जो यहाँ पे पेंट हुआ है उसका तो यहाँ पे भी माइनस हो गया रहेगा, बट आपने गलती क्या कर दी, एक और बार यहाँ पे 16,000 लिख दिया है, तो ये दोनों तो सामने सामने रिकंसाइल हो गया, बट सर इसका ये आपकी गलती है, तो एडजस्टेड कैश बुक में एक और चीज़ होती है, आपकी गलती को भी सुधारो, आपकी गलती को सुधारो, तो जो यहाँ पे लिखा है तो इसको अकाउंट्स में जाके हम यहाँ पे इरेज तो कर नहीं सकते, अकाउंट्स में ऐसा अलाउड नहीं है,
तो ये 16,000 को निकालने के लिए जो क्रेडिट साइड पे लिखा है तो हम 16,000 को एक और बार डेबिट में लिख देंगे। क्या ये आपको क्लियर है? ये 16,000 का एंट्री, तो ये हमारे एडजस्टेड कैश बुक, समझा? क्या बोल रहे हो महेश, कौन से वाले की बात कर रहे हो बताइए? क्लियर है? मैंने क्या बताया? अ पेमेंट बाय चेक ऑफ 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। तो अगर कैश बुक में ट्वाइस आपने पेमेंट साइड पे लिखा है तो एक बार तो आपने एक बार सही था और एक बार गलत है, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो उसको कैसे निकालेंगे? अपोजिट साइड में लिख के, समझाइए। यस, क्लियर है ये? तो ये हमने क्या कर दिया, तो एक और मैं लिख देता हूँ एडजस्टेड कैश बुक में। और क्या आता है वो एक और चीज लिख देते हैं। अगर आपने कोई कैश बुक में गलती की है, समझो यहाँ पे आपने कोई चीज ट्वाइस लिख दी है, तो उसको बाजू में लिख के निकाल दो। तो पासबुक आपको एक और चीज कैश बुक में करनी होगी, अगर आपने कोई गलती की है कैश बुक में तो उसको भी सुधार दो। तो ओमिशंस तो आएगी, जो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है और हमने रिकॉर्ड नहीं किया उसको तो हम लिख ही देंगे, बट अगर हमने कोई एरर किया है तो उसको भी हम लोग एडजस्टेड कैश बुक में लिख देंगे। ठीक है, परफेक्ट। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देते हैं तो ये हम लोग यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ ₹10,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, तो क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा? आएगा, क्योंकि हमने मिस्टेक की है, ट्रेडर ने मिस्टेक की है, जिसने कैश बुक बनाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कैश बुक है तो हमने पेमेंट दो बार 10,000 लिख दिया, तो हमने दो बार लिख दिया, बट लिखना तो एक ही बार चाहिए था। तो एक सही है, तो सही वाला ठीक है उसको छोड़ दो, बट जो गलत है उसको हम कैसे निकालेंगे? डेबिट साइड में लिख के, तो एडजस्टेड कैश बुक रिकनसाइल हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? सिंपल तरीके से बता रहा हूं, तो आपके लिए एक एक स्टेप इजी हो जाएगा। तो अगर कैश बुक में कोई मिस्टेक हुई है कहां पे, तो उसको भी हम एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी फाइनली द कंक्लूजन कम्स, एडजस्टेड कैश बुक में दो चीज आएगी, जो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है और कैश बुक में नहीं हुआ है रिकॉर्ड कर दो, और जो कैश बुक में आपने आपने कोई गलती की है, अगर डेबिट में कोई चीज दो बार लिख दी है तो क्रेडिट में एक बार लिख दो, क्रेडिट में कोई चीज तीन बार लिख दी है तो डेबिट में दो बार लिख दो। सिंपल, दैट्स इट, यही बताना था मेरे को। क्लियर है ये? आई थिंक अभी क्लियर है। सो एडजस्टेड कैश बुक अभी आपको एकदम समझ में आ गया कि एडजस्टेड कैश बुक में कौन कौन सी चीज रिकॉर्ड होगी। नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं है महेश, आपको खाली वही चीज रिकॉर्ड करनी है जिसकी वजह से वो एरर निकल जाएगा। तो बोलो ने अगर बोला कि यहां पे 10,000 दो बार लिखा है, तो आपको वो नहीं बताना है, आपको उसको एरर को निकाल देना है। आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है यहाँ पे 10,000 10,000 दो बार नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है और इसको निकाल देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको खाली एरर को निकालना है, समझा? समझाइए आपको, फाइन, ग्रेट। तो ये इसका एक ही आंसर होगा, अगर आप यहाँ पे कैश बुक लिखोगे तो यहाँ पे निकाल दिया। तो जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, वापस एक बार यहाँ पे आ जाते हैं। अ पेमेंट ऑफ 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, तो आपने पेमेंट दो बार माइनस में लिख दिया, तो एक बार सही है, तो एक बार जो यहाँ पे माइनस हुआ है वो यहाँ पे भी माइनस हो गया, तो रिकनसाइल हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। बट जो दूसरी बार लिखा है उसको कैसे निकालेंगे? उसको एडजस्टेड कैश बुक में प्लस साइड में लिख के निकाल देंगे, फाइन। तो ये आपका एडजस्टेड कैश बुक में आ गया। नेक्स्ट, ऑन 29 सितंबर अ बैंक क्रिएटेड एन अमाउंट ऑफ 117,400। अच्छा, बैंक ने 117,400 को क्रिएट कर दिया है। रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ एक्स, बट द एडवाइस हैज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स, बट मुझे नहीं मालूम है। तो ये पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मुझे बताइए हम कहाँ पे लिखेंगे? वहाँ पे अगर प्लस हुआ है तो उसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो ये भी अपना रिकनसाइल हो गया, इसको भी रिकनसाइल करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ये पासबुक में प्लस हुआ है बट कैश बुक में प्लस नहीं हुआ है, तो हमने कैश बुक में भी उसको प्लस कर दिया। सिंपल, तो एडजस्टेड कैश बुक में आ जाएगा। बैंक चार्जेस 5T हैज नॉट बीन एंटर इन कैश बुक, तो बैंक ने जो चार्ज किया होगा वो यहाँ पे माइनस किया होगा, तो पासबुक में हो गया है बट कैश बुक में नहीं हुआ है, तो उसको माइनस कर दो। तो ये भी अपना रिकनसाइल हो गया, तो ये भी खत्म हो गया, इसको भी अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये बताइए, ऑन 6 सितंबर द बैंक क्रेडिट 20,000 बाई एरर, बैंक ने 20,000 बाई एरर किया है, क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये वाला ट्रांजेक्शन, फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन, एडजस्टेड कैश बुक में आएगा या नहीं आएगा? बताइए, क्या फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन एडजस्टेड कैश बुक में आएगा या नहीं आएगा?
बताइए, बैंक ने कुछ गलती कर दी है, बैंक ने गलती से प्लस कर दिया, क्या ये कैश बुक में आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा? परफेक्ट महेश, नहीं आएगा, क्योंकि बैंक ने गलती की है, जिसको हम रिकंसिलेशन में जाने देंगे। जो जो चीज़ मैं रिकंसिलेशन में डाल रहा हूँ उसी को हम लोग रिकंसिलेशन में देखेंगे, बाकी सब चीज़ों को रिकंसिलेशन में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्रेट। चलो बिल आ गया। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स। हमने एक बिल बैंक के साथ डिस्काउंट करवाया था पहले, तो मैंने मुझे बैंक से पैसे मिल गए थे 1,40,000, मेरे पास बिल आया था जो मैंने बैंक के साथ डिस्काउंट करवाया था और बैंक ने मुझे पैसे दे दिए थे। अब ये बिल डिसऑनर हो गया है, अब बिल वॉज डिसऑनर, अभी अभी डिसऑनर हो गया है, बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक। मुझे बताओ बिल अगर डिसऑनर हो गया, मतलब मेरे पासबुक में क्या हुआ रहेगा? व्हाट डू मीन बाय बिल डिसऑनर होना? अगर आपने बैंक से कोई बिल डिस्काउंट करवाया था और अगर ड्यू डेट पे आप बैंक को पैसा नहीं दोगे तो बैंक क्या करेगी? बैंक अपने खाते से पैसा निकाल लेगी, बराबर है ना? आपके पास आपने एक बिल बनाया था, आप बैंक के पास गए और बैंक को डिस्काउंट करवाया और आप पैसे लेके घर पे आ गए, ड्यू डेट पे बैंक क्या करेगी? अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेगी। तो ये एंट्री यहाँ पे माइनस हो गई है, तो पासबुक में हो गई है बट कैशबुक में नहीं हुई है। तो पासबुक में माइनस हुआ है बट कैशबुक में माइनस हुआ नहीं है, तो इसको भी हम एडजस्टेड कैशबुक में डाल देंगे और इसको भी रिकनसाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें हो चुकी उसको रिकनसाइल करने की ज़रूरत नहीं है। देन चेक इश्यूड, देखो चेक इश्यू करते मतलब कैशबुक की एंट्री है, ऑन दिस बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इसमें ना हमने कोई मिस्टेक की है, कैश में कोई मिस्टेक नहीं की है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं हुआ है कि बैंक ने रिकॉर्ड किया और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये भी रिकंसिलेशन में जाएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन रीड कर रहे हो अपने आप से सवाल पूछो, क्या है मैंने कोई मिस्टेक की है, नहीं किया है, क्या ये ऐसी कोई चीज़ है जो बैंक में रिकॉर्ड हुई है और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है? नहीं सर, ये भी नहीं है, तो ये रिकंसिलेशन में जाएगा। क्या ये यहाँ तक आपको क्लियर है? क्या है? हाँ, मैं अभी सिर्फ एडजस्टेड कैश बुक बना रहा हूँ, रिकंसिलेशन के लिए बाद में देखेंगे, रिकंसिलेशन के लिए क्वेश्चन वापस रीड करेंगे, बट क्या ये यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? एवरीवन बताइए, ये तीन चीज़ हम रिकंसिलेशन में देखने वाले, बाकी सब चीज़ें हो गई है, ये सब चीज़ें हमने ख़त्म कर दी है, ये सब चीज़ें हमने ख़त्म कर दी है, जितना भी मैंने ग्रीन किया है वो ख़त्म कर दिया। क्या ये क्लियर है? अगर बैंक ने कोई गलती की तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे एडजस्टेड कैश बुक में, बट अगर बैंक ने कुछ माइनस किया है तो हम इसको माइनस करेंगे, अगर बैंक ने कुछ प्लस किया तो हम उसको प्लस करेंगे, बट हमने गलती से कुछ पेमेंट साइड में दो बार लिख दिया तो उसको रिसीप्ट साइड में एक बार लिख के निकाल देंगे, और अगर हमने रिसीप्ट साइड में कोई चीज़ दो बार लिख दिया है तो पेमेंट साइड में एक बार लिख के उसको ख़त्म कर देंगे। क्या ये क्लियर है एडजस्टेड कैश बुक यहाँ तक? बताइए, परफेक्ट बताइए। मैं सिर्फ एडजस्टेड कैश बुक पर फोकस कर रहा हूँ अभी, मुझे फटाफट यस बताइए अगर ये क्लियर है तो, क्योंकि मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछूंगा एक और एडजस्टेड कैश बुक का, जिसका आप लोग आंसर दोगे, फिर अंडरकास्ट ओवरकास्ट करेंगे एट दी एंड। बताइए क्लियर है? मुझे फटाफट चैट पे यस चाहिए सबका, अगर क्लियर है तो, और अगर एक और बार चाहिए तो मैं ये सम करेंगे तो एक और बार आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। क्लियर? यस 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 यस, बता दीजिए फटाफट, मैं सबके यस के लिए वेट कर रहा हूँ। फटाफट 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 सबके यस के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे आप एडजस्टेड कैश बुक बना दोगे, देखो मैंने वही बनाया है, 4,062,580,1,40,16,000 and 1,17, तो मैंने एडजस्टेड कैश बुक बना दी, ठीक है, ये हमने ऊपर बनाई है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी, सेवेंथ वाला रिकंसिलेशन में जाएगा। तो ये सब करने के बाद एडजस्टेड कैशबुक से मुझे एक और बैलेंस मिलेगा, एडजस्टेड कैशबुक से मुझे एक और बैलेंस मिलेगा, और वो बैलेंस मेरा अभी स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। तो एडजस्टेड कैशबुक बनाने के बाद मुझे एक और बैलेंस मिलेगा, एक और बैलेंस मिलेगा, और वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट रिकंसिलेशन, और उसके बाद हम रिकंसिलेशन स्टार्ट करेंगे। तो 4,062 से रिकंसिलेशन नहीं करना है, 4,062 करने के बाद आपने जितने भी चीज़ें एडजस्टेड कैशबुक में डाल दी उससे आपको एक बैलेंस मिलेगा, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस ये साइड पे आया है, तो ये आपको ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। एंड नाउ हम लोग नॉर्मल सम की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो ये एडजस्टेड कैश बुक करने के बाद आपको एक नया बैलेंस मिलेगा, और वो बैलेंस से हमारी सम की शुरुआत होगी, एंड देन हम लोग सिर्फ रिकंसिलेशन वाला देखेंगे। तो अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कैश बुक का बुरा है, तो मैं कैश बुक में ज़्यादा है तो प्लस, कैश बुक में ज़्यादा है तो प्लस, और कैश बुक में कम है तो माइनस करना है।
ठीक है, एंड देन अभी सिर्फ रिकंसिलेशन वाली चीज देखेंगे, बाकी सब देखने की अभी जरूरत नहीं है। ओके, तो कौन सी चीज रिकंसिलेशन में बाकी रह गई थी? पहली वाली। तो मुझे बताइए पहली वाली कहाँ पे आती है? चेकआउट विद दिस डिपॉजिटेड इनटू दिस, मतलब कैशबुक में कहाँ पे आया रहेगा ये? मैं एडजस्टेड कैशबुक भी निकाल देता हूँ, एडजस्टेड कैशबुक की भी जरूरत नहीं है, मैं ऊपर ही कैशबुक बना देता हूँ। अभी सिर्फ रिकंसिलेशन वाली चीजें देखेंगे, बाकी सब जाने दो, ठीक है? तो मुझे बताइए ये कहाँ पे एंट्री हुई रहेगी? सर पर सीबी में डेबिट साइड में है ना, कौन सा नहीं वही, हाँ डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट। नहीं अभी ये जो चीज रिकंसिलेशन में करनी है वो करनी है ना, वो एडजस्टेड कैशबुक में आपको नहीं देखना है। एडजस्टेड कैशबुक में आपको खाली क्या डालना है, जो पासबुक में हुआ है और कैशबुक में नहीं हुआ है वो डाल दो, और अगर कोई कैशबुक में एरर हुआ है उसको डाल दो। ये वाली एंट्री सिर्फ रिकंसिलेशन वाली है, तो ये कैशबुक में बैलेंस क्या हुआ रहेगा? बड़ा रहेगा, तो आपने उसको एंट्री प्लस में डाल दी, खत्म। ओके, फिर क्या आया था रिकंसिलेशन में? ये बैंक हैज क्रेडिटेड, तो बैंक ने क्या कर दिया था? क्रेडिट, तो इसको हम लोग यहाँ पे 20,000 सिर्फ रिकंसिलेशन वाली चीज़ देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे। और तीसरी कौन सी चीज़ थी? चेक इश्यू हुआ था, तो इश्यू हुआ था मतलब एंट्री कहाँ पे हुई रहेगी? 13,26,000। बस ये तीन चीज़ अभी आपको रिकनसाइल करनी है, दैट्स इट। मैं वापस रिपीट करता हूँ, एडजस्टेड कैश में क्या आएगा प्लीज़ सुनिए, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये सिर्फ ध्यान रखिए। पासबुक में कुछ प्लस हुआ है और आप भूल गए तो उसको प्लस में डाल दो, खत्म। पासबुक में कुछ माइनस हुआ है उसको माइनस में लिख दो, खत्म। अगर आपने कैशबुक में डेबिट साइड पर अगर कोई चीज़ दो बार लिखी है तो आपको एडजस्टेड कैशबुक में सिर्फ एक ही बार लिखनी है अपोजिट साइड पर, और अगर आपने कोई चीज़ क्रेडिट साइड पर दो बार लिखी है तो आप उसको खाली डेबिट में एक ही बार लिखिए एडजस्टेड कैशबुक और ख़त्म कर दीजिए, ओवर एंड आउट, ठीक है? यस, एंड नाउ आपको क्या सोचना है, मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। आपको क्या सोचना है, सब में ओवरड्राफ्ट इस पर कैशबुक था राइट, तो अगर कैशबुक में ज़्यादा है तो प्लस, ये प्लस होगा, कैशबुक में कम है तो माइनस होगा, और ये पासबुक में ज़्यादा है तो पासबुक में ज़्यादा मतलब कैशबुक में कम है, एंड दिस इज़ योर आंसर। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो एक प्लस और दो माइनस, दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर। अभी मैं आपके क्वेश्चंस लेना चाहूँगा, बट मैंने आपको एकदम ईजी तरीके से समझा रहा हूँ गाइस, आई नो एकदम रिविजन टाइप जा रहा हूँ मैं, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तो आपका काम ईजी हो जाए एडजस्टेड कैशबुक के लिए। मैं और आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ, डोंट वरी, मैं और क्वेश्चंस यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप लोग मेरे को उसका आंसर दोगे, जब तक मुझे भी सेटिस्फैक्शन चाहिए आपके तरफ से। यस, बताइए किसी को कोई क्वेश्चन है, पहले यहाँ पे पूछिए पूछिए। चलो मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताए एडजस्टेड कैशबुक में कहाँ पे आएगा, ठीक है? जो चीज रिकंसिलेशन वाली है उसको छोड़ दो, उसको कापी पे लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीज रिकंसिलेशन वाली है उसको एडजस्टेड कैशबुक में नहीं लिखना है, क्योंकि वो कैशबुक का बैलेंस के अंदर वो आ चुका है ना। अरे भाई कैशबुक का बैलेंस अगर आपको दिया है, ठीक है, तो जो चीज़ कैशबुक में रिकॉर्ड हो गई तो बैलेंस के अंदर ऑलरेडी है ना, तो आप एडजस्टेड कैशबुक में थोड़ी ना लिखोगे, ठीक है? सर बीआरएस में जो एडजस्टेड में ले चुके हैं वो नहीं लेंगे ना? हाँ वो नहीं लेंगे। चलो एक और बार, चलो एक और बार बताइए, आप मुझे बताइए एडजस्टेड कैशबुक में आएगा कि नहीं? मैं सिर्फ एडजस्टेड कैशबुक बना रहा हूँ, आप मेरे को फिर और कुछ नहीं बोलेंगे। एडजस्टेड कैशबुक, मैं सीधा क्वेश्चन ओरली पूछ रहा हूँ, आप मुझे आंसर दोगे हाँ या ना, या फिर आपके लिए लिख देता हूँ, आप मुझे बताइए आएगा या नहीं आएगा। ओके, चलो थोड़ा सा आजू बाजू बना देते हैं, कैशबुक प्लस माइनस माइनस प्लस। अभी आप लोग मुझे बताओगे आएगा या नहीं आएगा। ओके, बैलेंस पर कैशबुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट वो सब जान दो। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ₹10, बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट, तो बैंक ने चार्ज किया तो पासबुक में यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ रहेगा। क्या ये एडजस्टेड कैशबुक में आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो बताइए? बैंक चार्ज इंटरेस्ट ₹10, क्या ये एडजस्टेड कैशबुक में आएगा कि नहीं आएगा बताइए? क्या ये एडजस्टेड कैशबुक में आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो फटाफट बताइए चैट पे, बताओ बताओ बताओ, क्या ये एडजस्टेड कैशबुक में आएगा? ने चार्ज किया इंटरेस्ट, जो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है और कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, आराम से सोच के समझा, सोच के बताना क्या ये एडजस्टेड कैशबुक में आएगा कि नहीं आएगा। यस आएगा ना, अगर कैश पासबुक में माइनस हो तो कैशबुक में भी माइनस हो जाएगा, और इसको रिकंसिलेशन करने की जरूरत नहीं है। चेक्स
डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ रुपीज 100 नॉट क्लियर इन बैंक, क्या ये एडजस्टेड कैश में आएगा कि नहीं आएगा? चेक, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए 100 रुपये के, बट अब तक बैंक में क्लियर नहीं हुए। तो मैं अगर आपसे दो सवाल पूछूंगा, क्या ये हमारी कोई गलती थी? नहीं, हमारी क्या गलती है? हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्या ये ऐसी कोई चीज़ हुई है जो पासबुक में रिकॉर्ड हुई है और कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है? नहीं, वो भी नहीं है। तो क्या ये एडजस्टेड कैशबुक में आएगा कि नहीं आएगा सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन? यस महेश, परफेक्ट। क्या सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन एडजस्टेड कैशबुक में आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ महेश ने आंसर दिया, आई एम वेटिंग फॉर मोर आंसर्स। आपको क्लियर करना वो मेरी जवाबदारी है और मैं वो करके रहूँगा। परफेक्ट, ये रिकॉर्ड नहीं होगा, ये सीधा किस पे जाएगा? ये रिकंसिलेशन में जाएगा। सिंपल, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो समझिए ना, मैं आपको ये इजी करना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ कि आपको समझ जाए, ठीक है? तो ठीक है, नेक्स्ट। चेक्स इश्यूड ऑफ रुपीज 200 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैं सिर्फ एडजस्टेड कैशबुक की बात कर रहा हूँ। चेक्स आपने इश्यू किए 200 रुपये के बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या हमारी कोई गलती है? नहीं, हमारी क्या गलती है भाई, हमने कोई गलती नहीं की है। क्या ये ऐसी कोई चीज़ है जो बैंक में रिकॉर्ड हुई है और हमने रिकॉर्ड नहीं की है? नहीं सर, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है। क्या ये कैशबुक में रिकॉर्ड होगा, येस और नो? नहीं होगा। ये भी किस में जाएगा? रिकंसिलेशन में। अभी क्लियर हो रहा है, अभी क्लियर हो रहा है आपका दिमाग में जा रहा है अभी क्या मैं बोल रहा हूँ? अभी उसके लिए येस या नो लिखिए, क्या दिमाग में जा रहा है? यस, नहीं आएगा। परफेक्ट परफेक्ट, क्या अभी आपको ये सब समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, रिकंसिलेशन, परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट। सुपर, मतलब ये BRS में नहीं आएगा अभी। जस्ट मिनट, ओके चलो। बैंक डेबिटेड रुपीज 50 रॉन्गली इन आर अकाउंट, बैंक ने गलती से 50 रुपये, मैं भी सिर्फ इसकी बात करो, जय बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट से 50 रुपये काट दिए हैं, क्या ये एडजस्टेड कैशबुक में रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? क्या ये एडजस्टेड कैशबुक में रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? बैंक डेबिटेड रुपीज 50 रॉन्गली इन आवर अकाउंट, क्या ये एडजस्टेड कैशबुक में जाएगा या नहीं जाएगा? या जाएगा। बैंक रॉन्गली डेबिटेड 50 इन आवर अकाउंट, रॉन्गली, बैंक की गलती रिकॉर्ड नहीं, बैंक ने कुछ किया है तो हमें रिकॉर्ड करना है, बैंक ने प्लस किया तो हमें प्लस करना है, बैंक ने माइनस किया तो हमें माइनस करना है, बट बैंक की कोई गलती हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये भी जाएगा रिकंसिलेशन में, राइट? ये भी जाएगा रिकंसिलेशन में, परफेक्ट। ये भी जाएगा रिकंसिलेशन में, परफेक्ट, ओके। चलो एक और करो, तो ये वाला मेरे लिए, ये अगर आपने क्रैक कर लिया तो मैंने आपको नए एडजस्टेड कैशबुक के सब ट्रांजेक्शन करवा दिए, ठीक है? ओके, अ पेमेंट ऑफ रुपीज 10,000 रिकॉर्डेड थ्राइस इन कैशबुक, 3 बार लिख दिया। चलो मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, क्या ये हमने कैशबुक में गलती की है, हाँ या ना बताइए? क्या ये हमने कैशबुक में रिकॉर्ड गलती की है? अगर कैशबुक में गलती की है तो ये एडजस्टेड कैशबुक में आएगा, बट इसको क्या कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखा, इसको मैं एडजस्टेड कैशबुक में कैसे लिखूँ? कोई मुझे इसका आंसर दे दे, मजा आ जाएगा। अब पेमेंट ऑफ रुपीज 10,000 रिकॉर्डेड थ्राइज इन कैशबुक, तो इसका एडजस्टेड कैशबुक में हमें क्या करना होगा? 10,000 को हमें कितनी बार कहाँ पे लिखना होगा? सिंपल, कितनी बार कहाँ पे, कितनी बार कहाँ पे? यस, आएगा एडजस्टेड कैशबुक में आएगा, परफेक्ट परफेक्ट, एडजस्टेड कैशबुक में आएगा, बट तो कहाँ पे आएगा? इसको एडजस्टेड कैशबुक में हम कहाँ पे लिखेंगे? यस रिया, परफेक्ट आंसर, रिया ने परफेक्ट आंसर दिया है। जो रिया ने आंसर दिखा है सब लोग रीड कीजिए चैट पे, डेबिट ट्वाइस, तो आप 10,000 को दो बार, 10,000 को आप दो बार क्या करोगे? आप 10,000 को दो बार डेबिट कर दोगे तो ये रिकनसाइल हो जाएगा, क्योंकि आपने थ्राइस लिख दिया था ना, तो दो बार लिख के रिकनसाइल कर दो। क्या ये आपको समझा? आई थिंक मैंने अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर दी है, और जो रिकंसिलेशन में है उसको बाद में नया बैलेंस आने के बाद उसको रिकंसाइल कर देंगे, उसको वापस, उसके लिए वापस वर्किंग नोट बनाएंगे,
कैशबुक पासबुक और रिकंसिलेशन में डाल देंगे और सॉल्व कर देंगे। समझा? यस श्रेया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। यस राजन, परफेक्ट। आई एम नॉट एबल टू रीड मेनी नेम्स बट काफी लोगों ने आंसर दिया। क्या अभी एडजस्टेड कैशबुक क्लियर है? क्या अभी एडजस्टेड कैशबुक क्लियर है? फटाफट बताइए। एकदम सिंपल कर दिया, टू द कोर टू द पॉइंट में समझा रहा हूँ। यस महेश, आप भी, आपको समझ रहा है? महेश जो थे उनको बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। आई होप आपको एडजस्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं, क्या क्या आएगा। एवरीवन फटाफट चैट पे यस 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 यस, बहुत सारे यस चाहिए मेरे को फटाफट। आई थिंक 59-60 लोग देख रहे हैं, ब्रेक के बाद थोड़े कम लोग हो गए, बट स्टिल आपको जिसको नहीं आता उनके लिए है। मैंने पहले भी बोला था, जिसको आता है प्लीज़ अपने हिसाब से पढ़िए, बट जिसको नहीं आता उनके लिए ही हम लोग कर रहे हैं कि आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाए। यस एवरीवन क्लियर? मुझे फटाफट चैट पे यस यस सर यस सर चाहिए। यस सर क्लियर 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 क्लियर। यस सर चाहिए फटाफट। यस सर, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं अंटर कास्ट ओवर कास्ट पर जाऊँगा एंड हमने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी। यस के लिए वेट कर रहा हूँ फटाफट। आप ये वीडियोस काफ़ी टाइम देख सकते हो, आपके लिए इजी हो जाएगा करना, रिवाइज करना। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो वापस एक बार रिपीट करता हूँ, एडजस्टेड कैशबुक में क्या क्या रिकॉर्ड होगा। पासबुक में जो प्लस हुआ है उसको कैशबुक में प्लस कर दो, पासबुक में जो माइनस हुआ है उसको कैशबुक में माइनस कर दो। बट पासबुक की गलती से, पासबुक कुछ गलती हुई है तो उसको उसके एडजस्टेड कैशबुक में मत डालो, उसको रिकंसिलेशन में जाने दो, नई वर्किंग नोट। और अगर आपने कैशबुक में कोई गलती की है, अगर आपने कोई कैशबुक में गलती की है तो उसको रिकंसाइल कर दो। सिर्फ रिकंसिलेशन की एंट्री पास करो, वो दो बार, एक बार मत करो, जो रिकंसाइल होकर निकाल दो जो आपने आंसर दिया था। सुपर फाइन ग्रेट। तो आई थिंक एडजस्टेड कैशबुक मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आप समझ पाएंगे। अभी मैं सिंपल अंडर कास्ट और ओवर कास्ट पर जाने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको एक सम दूंगा आपको जो घर पे करना है एडजस्टेड कैशबुक का, 6 वाला सम आप लोग घर पे ट्राई करके देना, यहाँ पे लिखा है, और मैं इसको चाहिए तो कल डिस्कस करूँगा आपके साथ। या आप एक बार होमवर्क के लिए ले लेना एडजस्टेड कैशबुक का, ठीक है। एक बार ट्राई करना, किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप कल चैट पे यस या मेरे को बोल सकते हो सर जस्ट डिस्कस, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। फाइन इनफ, ओके। बिफोर वी गो टू अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट, ग्रेट फाइन। अभी गाइस दिस इज द लास्ट पार्ट, लास्ट 15-20 मिनट्स बिफोर वी वाइंड अप फॉर द डे, ओके। अभी आपको समझ गया है कि क्या करना है, आपको समझ गया कि कैशबुक बनानी है, पासबुक बनानी है, प्लस माइनस लिखना है, माइनस प्लस लिखना है। अभी मैं आपके सामने थोड़े ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सुनिए। अंडरकास्ट ओवरकास्ट की बात कर रहा हूँ, सुनिए, आपको परफेक्ट समझ जाएगा। रिसीप्ट साइड ऑफ कैशबुक इज ओवरकास्ट बाय ₹100। मुझे बताइए, रिसीप्ट साइड अगर आपका 100 रुपये से ज़्यादा है, मतलब आपका कैशबुक बैलेंस ज़्यादा है, क्या ये क्लियर है? रिसीप्ट साइड ऑफ कैशबुक, तो आपका यहाँ पे आप 100 लिख दीजिए, क्या ये क्लियर है? रिसीप्ट साइड ऑफ कैशबुक इज ओवरकास्ट बाय 100, तो यहाँ आप 100 यहाँ पे लिख दीजिए, देन द स्टार्टिंग पॉइंट ही आपको लगा ना, कैशबुक में ज़्यादा है तो प्लस, जो भी है वो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या ये क्लियर है? रिसीप्ट साइड ऑफ कैशबुक इज ओवरकास्ट बाय ₹100, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 100 लिख दिया, ध्यान रखना। पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक इज ओवरकास्ट बाय ₹10, ठीक है सर, यहाँ पे 10 से ज़्यादा है तो कैशबुक में 10 रुपया पेमेंट साइड में ज़्यादा है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरकास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ओवरकास्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है अंडरकास्ट में। ओवरकास्ट में जहाँ पे वहाँ पे लिख दो, मैंने समझा ना, वो 1, 2, 3, 4 KBC खेल लो, ओवरकास्ट में सेम KBC खेल लो। मैं ध्यान, ओवरकास्ट में बहुत ईजी है, तो भी मैं आपके लिए सब लिख देता हूँ। डेबिट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्ट बाय 30, तो डेबिट साइड इज ओवरकास्ट, मतलब यहाँ पे 30 लिख दो, खत्म। ओवरकास्ट से तो कोई टेंशन ही नहीं है, ओवरकास्ट से तो कोई टेंशन ही नहीं है, अंडरकास्ट में मजा आएगा। क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्ट बाय 20, सर क्या एक का एक चीज़ करवा रहे हो, टूको ना 20 क्रेडिट साइड ज़्यादा, सर लिख दिया, हो गया ना, ओवरकास्ट में कोई टेंशन नहीं है, उधर जाके लिख दो, उधर जाके लिख दो, ओवरकास्ट में उधर जाके लिख दो, ठीक है, अभी मज़ा आएगा।
मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, मतलब अंडरकास्ट ओवरकास्ट भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है? अभी सुनिए, अगर मैं ओवरकास्ट के जगह सब में अंडरकास्ट लगाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? सो ओवरकास्ट में डोंट वरी, ओवरकास्ट में आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4 में जाके लिख दीजिए, ओवरकास्ट डेबिट साइड है तो डेबिट में लिख दीजिए, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। अभी मैं लिख रहा हूँ रिसीव साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹5। रिसीव साइड आपका ₹5 से कम है, तो आपका रिसीव साइड यहाँ पे ₹5 से कम है, तो काम करें सिंपल है, अगर अंडरकास्ट की बात कभी भी किए ना तो अपोजिट साइड में जाके लिख दीजिए, सिंपल इजी दे दिया आपको। अगर 1, 2, 3, 4 खेलना आता है तो मैंने आपको इजी आंसर दिया, मतलब 5 इधर लिख दीजिए एंड देन आपका सम सॉल्व हो जाएगा। सो अंडरकास्ट में आपको क्या करना है, अगर रिसीव साइड इज अंडरकास्ट तो आप उसको माइनस में जाके लिख दीजिए, सिंपल खत्म, सिंपल खत्म। आप देखिए आपके 8 के 8 केसेस अंडरकास्ट ओवरकास्ट के सॉल्व हो जाएंगे। ओवरकास्ट में क्या करेंगे, जिधर है उधर ही जाके लिख दीजिए, और अंडरकास्ट में सिंपल कीजिए, अगर रिसीव साइड अंडरकास्ट है तो पेमेंट साइड में लिख दीजिए। अगर अभी मैं एक और एग्जांपल दूं यहाँ पे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹1। तो अगर पेमेंट साइड अंडरकास्ट है 1 से, तो यहाँ पे कम है 1 से, तो क्या करूँ मैं, 1 रुपीज़ कहाँ पे लिखूँ, मेरे 1, 2, 3, 4 में मैं 1 यहाँ पे लिख दूंगा, खत्म, सिंपल। यस महेश ने मस्त आंसर दिया, अगर ओवरकास्ट है तो सेम साइड लिखिए, अंडरकास्ट है तो अपोजिट साइड लिख दीजिए, बस एक बार ही आपने सॉल्व कर दिया। फिर जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, कैश बुक ज़्यादा तो प्लस, कैश बुक कम है तो माइनस, पास बुक कम है जो भी है, वो आप स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं किसी का सोचा, तो अंडरकास्ट ओवरकास्ट भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। अंडरकास्ट ओवरकास्ट में लोग डरते थे, आपका खत्म कर दिया मैंने, तो सिंपल। मैं एक और बार आपको एक मॉरल ऑफ द स्टोरी बताता हूँ, अगर ओवरकास्ट एज पर कैश बुक ओवरकास्ट है तो उधर का उधर ही लिख दीजिए, बट अगर अंडरकास्ट है तो अपोजिट साइड पे लिख दीजिए, फंडा खत्म, यही चाहिए रहता है आपको, और मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बता दी। और एक बार आपने टेबल के अंदर 1, 2, 3, 4 KBC खेल लिया, फिर तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से मालूम ही है प्लस या माइनस। तो अगर आपने मैंने कर दिया ओवरकास्ट सेम साइड, अंडरकास्ट अनदर साइड, परफेक्ट राशि, परफेक्ट आंसर, दिस इज इट, दिस इज इट जो आपने लिखा है। एंड इसके बाद आपका स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से जो भी सम हो रहा है सॉल्व कर दो, हो गया अंडरकास्ट ओवरकास्ट सॉल्व, कोई टेंशन नहीं, आपको सिंपल तरीके से बता दिया। क्या ये क्लियर है मैंने जो बताया? काफी लोगों ने देखो यहाँ पे क्लासेस में किया है, स्टिल इट इज अ रिविजन क्लास, सो इन 3, 3, 4, 4 आवर्स वी हैव टू कंप्लीट 1 चैप्टर, बट आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। अगर अंडरकास्ट है तो अपोजिट साइड में लिख दीजिए, ओवरकास्ट है तो सेम साइड पर लिख दीजिए, परफेक्ट, दैट्स इट, दैट्स इट। रिविजन में ऐसे ही करना है, रिविजन अच्छे से, रिविजन का क्या फायदा, आपका दोनों चीज कंप्लीट हो, आपको आ भी जाए और आपको सब कुछ हो भी जाए। एवरीवन अगर क्लियर है तो एक बार यस 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 लिख दीजिए, अगर क्लियर है तो एक बार फटाफट सब लोग यस 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 लिख दीजिए। और एक बार अगर आपने अंडरकास्ट ओवरकास्ट का टेबल में फिलअप कर दिया, फिर जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर बैलेंस पर कैशबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो पासबुक का सोचना है, तो पासबुक में ज्यादा है तो प्लस, पासबुक में कम है तो माइनस, कैशबुक वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, फिर ये जो आपने लिखा है उसको सॉल्व कर दो, सिंपल। यस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे 100% आ जाएगा, जिसने स्पेशली प्रैक्टिस नहीं की है वो लोग प्रैक्टिस करेंगे उनको आ जाएगा, कुछ नहीं है। देखो मेरा काम है आपके लिए कुछ काम ईजी करना, देखो मैं यहाँ पे इसके लिए कि आपका काम ईजी करे, अदरवाइज कोई भी सेल्फ स्टडी करते हैं उससे बेस्ट स्टडी होती नहीं है, बट यहाँ पे रिविजन का एक ही काम है कि आपका काम ईजी हो जाए, कि अगर आपको कोई डिफिकल्टी लग रही थी तो डिफिकल्टी सॉल्व करने में आपको एक थोड़ा सा ब्रिज मिल जाए कि आप इजीली वो डिफिकल्टी को क्रॉस कर दो। फाइन क्लियर यहाँ पे? तो अंडरकास्ट ओवरकास्ट भी कोई भी सम में आएगा आप आराम से उसको कर पाओगे, आराम से कर पाओगे अंडरकास्ट ओवरकास्ट, ओवरकास्ट है तो सेम साइड, अंडरकास्ट है तो अपोजिट साइड। मैंने आपको एक सम होमवर्क दिया है, आप ये सम घर पे ट्राई करना, 6 वाला सम, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कल मुझसे पूछ सकते हो इन द 6 वाला सम। एडजस्टेड कैश बुक प्लीज गाइस ध्यान देना, नेक्स्ट आई थिंक टुमारो वी हैव टू स्टार्ट, आई एम नॉट श्योर, मे बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज मोस्ट प्रॉब्ली, बट वी विल बी डूइंग एवरीथिंग, हम लोग हर एक चीज करेंगे, सम चैप्टर्स इन अ सिंगल डे, सम चैप्टर्स इन 2 डेज, वैसा हम लोग करेंगे, सो डोंट वरी। मैंने काफी सारे सम्स गाइस आपके लिए ले लिए हैं, बट मेरा मुद्दा यही रहेगा, आई एम नॉट श्योर, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स करने होते हैं बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोहित ने कुछ लिखा हुआ है,
बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक इज 40,000. ओके द बैलेंस रोहित, तो बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक है मतलब फेवरेबल बैलेंस है. अ चेक ऑफ 2050 इश्यूड टू सप्लायर वॉज रिकॉर्डेड एज रुपीज 2000 इन द कैश कॉलम ऑफ द कैशबुक. सर आई थिंक इन द टर्म कैश कॉलम इज रॉन्गली स्पे. हाँ, अगर कैश कॉलम में आपने रिकॉर्ड किया मतलब आपने एंट्री की नहीं है. देखो एक चीज याद रखना, ये सब हम लोग कैशबुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं. तो अगर देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत सुपर डाल रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएं, मैं आपके सामने ट्विस्ट डाल रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे केबीसी खेल के बताइए. ये कैशबुक है, ये पासबुक है, चलो देखते हैं. प्लस माइनस, माइनस प्लस. मैं आपके सामने क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप मेरे को आंसर बताइए. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक और रुपीज 1 लाख एंड क्लियर्ड इन बैंक. बैंक में क्लियर भी हो गया आपने, आपको चेक 1 लाख रुपए का मिला था और बैंक में क्लियर भी हो गया. तो बैंक में क्लियर हो गया मतलब बैंक में 1 लाख रुपए हो गई और कैश में भी 1 लाख रुपए हो गई. तो आप बोलेंगे सर इसमें रिकंसिलेशन किधर है, बट मैं एक ट्विस्ट डाल रहा हूँ, मैं ट्विस्ट डाल रहा हूँ. बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक. आपने गलती से कैशबुक के कैश कॉलम में डाल दी, तो क्या यहां पे एंट्री हुई है? नहीं हुई है, तो इसका भी रिकंसिलेशन करना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. सिर्फ पासबुक में ही बड़ा है. देखो चेक मिला, आपने कैशबुक में एंट्री भी की, बट कैशबुक कौन से कॉलम में एंट्री कर दी? कैश कॉलम है. मतलब यहां पे तो हम लोग कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम की. तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस. यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. देखो यहाँ पे क्लास में आते तो मैं, हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करते, बहुत बातें करते, अलग अलग एग्जांपल्स बनाते, बहुत सारी चीज़ें होती. बट मुझे मालूम है कि इतनी सारी चीज़ें अगर मुझे पहुँचानी भी है तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रीच इतनी सारी चीज़ें. मैं तो ट्राई करूँगा कि मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाऊँ. बट आई होप अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ गया है एंड देन यू आर ट्राइंग टू डू दिस टाइप ऑफ सम्स, देन यू विल गेट द आंसर, बट यू विल रिक्वायर प्रैक्टिस गाइस. ये सब ऐसी नहीं है कि भाई 3 घंटा कर लिया हो जाएगा. अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा. तो आई होप ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो आपको देखना है, ये हम लोग कैशबुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं. तो क्या ये भी आपको समझा फटाफट? मैं अगर आपसे यस पूछूं, अंडर कास्ट ओवर कास्ट भी मैंने कवर कर लिया है, एडजस्टेड कैशबुक भी मैंने कवर कर लिया है. सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन लास्ट 10-15 मिनट्स? सर पहले हम एंट्री करेंगे या नहीं? अगर कैश कॉलम में तो एंट्री हो, ये कैश कॉलम में बोला तो आप एंट्री करोगे नहीं, क्योंकि कैश कॉलम हम लोग बना ही नहीं रहे. हम लोग कैशबुक का कौन सा कॉलम बना रहे हैं? बैंक कॉलम. सो इन शॉर्ट नथिंग इज रिकॉर्डेड इन कैशबुक. यस यस, हम लोग क्योंकि हम लोग ये बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं ना, तो कैश कॉलम तो है ही नहीं हमारे पास. कैश कॉलम अगर कर दी तो हमने एंट्री की नहीं है. यस 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 यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. एवरीवन क्लियर? फटाफट चैट पे यस चाहिए मेरे को, फटाफट चैट पे यस दीजिए. जस्ट मेरे को 5-10 मिनट्स दीजिए बिफोर वी वाइंड अप. मैं अगर आपसे वापस एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने स्टडी मटेरियल के सब सम्स नहीं किए तो प्लीज़ प्रैक्टिस ईच एंड एवरी सम. अगर आप नहीं लिख के पकड़ पाओगे तो आप ऐसे भी शॉर्टकट में कर सकते हो, बट ईच एंड एवरी सम शुड बी डन. अगर आपने कर लिया है, मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छे मार्क्स ही आएंगे. एक बार आप स्टडी मटेरियल पर अच्छे से फोकस कीजिए, आपको पास पेपर्स भी आ जाएगा. और जिनको आता है ग्रेट, उनको बहुत अच्छे से आता है, उनका रिवीजन हो गया. जिनको नहीं आता था उनके लिए भी फर्स्ट टाइम हो गया. थोड़े लोगों को जिसमें इसमें प्रॉब्लम था वो भी हो गया. क्या बोल रहे हैं श्रेया आप? आपका क्वेश्चन क्या? तो पासबुक में रिकॉर्ड होगा मींस, हाँ ये पासबुक में क्लियर हो गया ना, ये वाला चेक क्लियर हो गया ना. देखो कभी कभी आपको कन्फ्यूजन के लिए ऐसा भी पूछता है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ रुपीज 1 लाख बट नॉट क्लियर. नॉट क्लियर मतलब वो पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, बट रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक. मतलब वो एंट्री कहाँ पे भी नहीं हुई है. मैं वापस रिपीट करता हूँ, चेक आपको 1 लाख रुपए का मिला बट गलती से आपने कैश कॉलम में डाल दिया, तो कैश कॉलम तो है ही नहीं. वो बैंक में भी अब तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब बैंक में भी एंट्री नहीं हुई है, तो उसका रिकंसिलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कैश बुक के बैंक कॉलम में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है और पासबुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज और आ सकते हैं आपको मार्क्स. कुछ नहीं है गाइस, एवरीथिंग सीए फाइनल तक अगर आपने अच्छे से स्टार्टिंग से प्रैक्टिस किया, अगर आपने टाइम को वैल्यू किया है, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम. आप कितना जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करते हो, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत है. जैसे मैंने बताया कि दिस कोर्स इज़ नॉट फॉर मार्क्स, ये कोर्स मार्क्स के लिए नहीं है, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे.
कि कौन सी चीज़ को आपको रिकनसाइल करना है, इसको रिकनसाइल करना है या नहीं करना है, कौन सी चीज़ की आप बात कर रहे हो तनिष? रिकनसाइल बताइए, कौन सा वाला क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो? जो मैंने अभी बात एक एग्जांपल दिया था वो कैशबुक में रिकॉर्ड किया है और बैंक में अब तक क्लियर नहीं हुआ है, उसकी बात कर रहे हो आप? बोले एडजस्टेड कैशबुक में 31st मार्च इज गिवन एंड, हाँ आपको एडजस्टेड कैशबुक कभी बनानी है, अगर आपको 31st मार्च दिया है प्लस बैलेंस एज पर क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैशबुक दिया है, तो आपको एडजस्टेड कैशबुक बनानी है। पहले एडजस्टेड कैशबुक बनाओगे और जो चीज़ आर आर आपने लिखना है उसके लिए आप रिकंसिलेशन करोगे। परफेक्ट, तो एडजस्टेड कैशबुक कभी बनानी है आपको? सर यही कैश कॉलम की, हाँ कैश कॉलम क्या कुछ रिकंसिलेशन में आएगा नहीं, यस तनिष तभी जो मेरा एग्जाम्पल था। एडजस्टेड कैशबुक कभी बनानी है, अगर आपका ईयर एंडेड 31st मार्च एंड आपको बैलेंसेस पर कैशबुक दिया है तो इट इज़ अज्यूम दैट यू हैव टू मेक एडजस्टेड कैशबुक, एंड आफ्टर मेकिंग एडजस्टेड कैशबुक जो रिकंसिलेशन वाला पार्ट है वो नए बैलेंस आप स्टार्ट करोगे। क्लियर है एवरीवन? फाइन, ग्रेट। आई थिंक एक सब मैंने आपको दिया है टू डिस्कस, अगर मैं टेस्ट ले सकता हूँ पोल वाला तो आई विल ट्राई टू टेक टेस्ट, आई एम नॉट श्योर यूट्यूब पे कैसे चलेगा, इफ इट्स पॉसिबल मैं थोड़े क्वेश्चंस डालूंगा, लेट्स सी अगर आप कल आंसर्स दे पाते हो कि नहीं, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अगर ऐसे कुछ हो सकता है, नहीं हो पाएगा तो लेट्स कोई और रास्ता निकालेंगे। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये चीज़ एकदम परफेक्टली आई होगी, आई होप आपको ये चैप्टर जिनको आता रहेगा उनका और क्लियर हो गया रहेगा, जिनको नहीं आता रहेगा उनके लिए मैंने वे बना दिया है, बट स्टिल दे विल हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ सम्स, या ओके। चलो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, और आई थिंक सबको अगर अच्छा लगा तो एक एक आप फटाफट लाइक भी दे सकते हो, जिन्होंने लाइक नहीं किया है एक एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो भी देना 102 likes, एट दी एंड आई कैन टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो, मुझे लगेगा हाँ काफ़ी लोगों को ये समझ में आ गया है, या फटाफट अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो दे कैन जस्ट लाइक द चैनल, या लाइक द वीडियो, लाइक द लेक्चर। ओके ओके, सो कल हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या फाइन, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग वही हिसाब से आगे आगे बढ़ेंगे, मैं ट्राई करूँगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ माय फोकस में, एंड देन विल बी डूइंग फ्यू सम्स, सो आपका अच्छे से हो जाए। चलो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, और लाइक कर देना इफ़ देर इज एनीथिंग, अगर आप कमेंट में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, एंड सिर्फ मोटिवेशन के लिए होता है कि भाई हाँ नेक्स्ट टाइम आ रहे तो अच्छे से मोटिवेट कर दे, ऐसी ज़रूरत नहीं होती, बट मोटिवेशन मिलता है तो और अच्छे से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, टू मो एनर्जराइज अवर सेल्फ। यस, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रोहित, अगर आपने पूछा है इन मॉड्यूल इट इज़ ट्रू ऑफ फॉल्स, इट इज़ गिवन फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर, एक्चुअली एनी अकाउंटिंग ईयर वो ईयर एंड दिया ना, ईयर एंड एज ऑन 31st दिसंबर और ईयर एंड वर्ड लिखा है एज ऑन 31st मार्च, तो हम ये कर सकते हैं एडजस्टेड कैशबुक, बट काफ़ी सारे आप पास्ट पेपर्स के सोल्यूशन देखोगे उन्होंने 31st दिसंबर में दोनों टाइप से सोल्यूशन दिया है, नॉर्मल सोल्यूशन और एडजस्टेड कैशबुक, तो एनी हाउ आर राइट, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। डाल सकते हो, कैन आस्क माई डाउट्स अबाउट, हाँ डी एस एस नो प्रॉब्लम सोनाली, डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, या।